वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू वेरी गुड इवनिंग विजेंद्र चिन्मय आकांक्षा हर्षिनी आदित्य शाहि निकुंज विकी प्रांजलि अग्रवाल अंकिता अश्विनी विवेक विवेक आपकी गुड इवनिंग मुझे दूसरे चैनल पे भी अभी अभी मिल गई ओके सो पृथ्वी सब तक ओके सो ऑल ऑफ यू वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन आज के सेशन में फिर हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सर फिर हम लोग को नंबर से ही डील करना है क्या हम नंबर से ही डील करते रहेंगे हर सेशन में ऐसा नहीं है कहीं ना कहीं जाके ये नंबर से डील करना रुकेगा हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बाद एंटर करेंगे एनालिटिकल एप्टीट्यूड में भी टेंशन नहीं लेना है जब तक ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड चल रहा है तब तक हम लोग नंबर से डील करते रहेंगे ओके श्री रत्न का कहना है गुड मॉर्निंग अच्छा सुबह हो गई क्या बात है वेरी गुड गुड इवनिंग धर्मेंद्र पर्रियल काजल एंड ऑल अदर्स तो चलिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एक्चुअली हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में क्या देखा था व्हाट वी हैव सीन इन द प्रीवियस सेशन आई थिंक इट इज बफरिंग इज इट सो लेट मी चेक इट आउट इज देर एनी इश्यू ओवर हियर वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू वेरी गुड इवनिंग वंस अगेन होप अब आपको वीडियो क्लियर आ रही होगी ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है यस yes, नो no, एक बार मेंशन कर दें चैट में यस यस ओके ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो वापस से आ, देखा शानदार था वेरी गुड वेरी गुड तो चलिए वापस से हम लोग चलते हैं सेशन में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं यानी तो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है ये सारी चीजें समझते हैं सबसे पहले हम लोग प्रीवियस सेशन की बात करें तो आपको पता ही है कि पिछले सेशन में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था नंबर सिस्टम यहाँ पे हम लोग नंबर्स को डील करना सीखे थे कि डिफरेंट वेज में कैसे नंबर्स के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे आपने ये भी देखा था कि किसी भी गिवन एक्सप्रेशन की अगर यूनिट डिजिट पता करनी है तो हम कैसे पता करेंगे उसके पीछे क्या वो लॉजिकल अप्रोच है तो ये सारी चीजें आपने समझी थी अब आज के सेशन में हम लोग क्या समझने वाले हैं तो आज के सेशन में जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं ये टॉपिक जो है आपको लगभग हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है सिर्फ गेट में ही नहीं लगभग हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप इस टॉपिक से क्वेश्चन देख सकते हो और वो क्वेश्चन सॉरी वो टॉपिक है टाइम टाइम एंड एंड वर्क वर्क तो आज हम लोग समझने वाले हैं तो इस टाइम एंड वर्क को को टॉपिक समझने के पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि टाइम एंड वर्क के अलावा क्या आपने ये वाला शब्द सुना है ये शब्द जिसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन यानी तो बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन क्या आपने ये शब्दों को सुना है डायरेक्ट प्रोपोर्शन यानी तो इनवर्स प्रोपोर्शन ओके विवेक विवेक उसमें भी तारीफ कर रहे थे मेरी इसमें भी तारीफ कर रहे मेरी क्या बात है विवेक सारी चीजें समझ में आई वेरी गुड वेरी गुड तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है जैसे टू एंटिटीज हमारे पास हैं इसमें से कोई एक एंटिटी इंक्रीज हो तो पैलली अदर भी इंक्रीज होने लगता है यानी तो दो एंटिटी में से अगर एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज होने लग जाता है तो हम लोग कहते हैं कि ये दोनों एंटिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यस yes. और इन्वर्स प्रपोर्शन क्या होता है इन्वर्स प्रपोर्शन में जो दो एंटिटी हम ले रहे हैं इसमें अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम होने लगता है डिक्रीज होने लगता है यानी तो एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा इंक्रीज होने लगता है इसे हम लोग बोलते हैं इनवर्स प्रपोर्शन जैसे आपने सुन रखा होगा आपने पढ़ाई होगा क्योंकि आप इंजीनियर द इंक्रीज इन एल्टीट्यूड इज अ डिक्रीज इन टेम्परेचर जैसे जैसे हम लोग की हाइट बढ़ रही है मतलब हम ऊपर जाते हैं एल्टीट्यूड बढ़ती है तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होते जाता right? सुना है आपने ऑडियो कह रहे हैं बिग फैन अच्छा वेरी गुड वेरी गुड चाय रूल नहीं चेन रूल है वो रेड्डी का कहना है सर चाय रूल चाय रूल नहीं चेन रूल है चेन रूल मैं बताऊंगा टाइम एंड वर्क में आपने चे, चेन रूल को चाय रूल बना दिया ठंड काफी पड़ रही है आपके शहर में नोट्स का पीडीएफ मुकुंद आई थिंक इस वीडियो के नीचे आपको कुछ लिंक्स हैं वहीं पे किसी लिंक में होगा ओके हाँ बिल्कुल, बिल्कुल 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 चेन रूल मैं बताऊंगा यस यस रेड्डी साहब बिल्कुल ओके तो एनी हो एनी हो तो यहां पे हम समझ रहे हैं चार दिसंबर से मैथ्स की क्लास शुरू हो रही है राहुल सर का वो यूट्यूब पे होगी या पेड में अंशुल यूट्यूब पे स्टार्ट हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है क्यों टेंशन ले रहे हो यूट्यूब पे ही स्टार्ट हो जाएगा यस रक्षित तो चलिए मैं बात कर रहा था कि डायरेक्ट प्रपोर्शन इनवर्स प्रपोर्शन में अगर हम एग्जाम्पल इन्वर्स का तो मैंने बताया डायरेक्ट प्रपोर्शन का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो डायरेक्ट प्रपोर्शन में नंबर ऑफ प्रोडक्ट एंड टोटल मनी पेड टू परचेज इट जैसे एक एक तरह के प्रोडक्ट हैं और अगर हम ज्यादा प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हमें ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा और उसी तरह के प्रोडक्ट को हम कम ले रहे हैं क्वांटिटी कम ले रहे हैं तो कम पेमेंट करना पड़ेगा जैसे एक किलो टमाटर है तो इतना रुपये और वही पांच किलो टमाटर है तो कुछ ज्यादा रुपए हमारा एक तो वो क्या है डायरेक्ट प्रपोर्शन है अब एक बात बताइए मुझे दोनों तो ईजी है डायरेक्ट प्रपोर्शन इनवर्स प्रपोर्शन ये दोनों ही आसान है ये मैं मानता हूं लेकिन दोनों में इजिएस्ट कौन सा है सबसे ज्यादा आसान कौन सा है अंशुल बोल रहे हैं थैंक यू फॉर द इन्फो कौन सा इन्फो अंशुल अच्छा वो मैथ्स का बिल्कुल बिल्कुल अंशिका का पूछना है सर मैथ्स ऑल रिकॉर्डेड वीडियो कहाँ मिलेंगे आपको यहीं पे मिल जाएंगे यहीं पे मिल जाएंगे सर का सीरीज पहले का पुराना सीरीज है राहुल जोशी सर का कोई बात नहीं मुदित डायरेक्ट ज्यादा ईजी होता है चलिए कुछ लोगों कुछ लोग नहीं लगभग सब लोगों ने कहा कि सर डायरेक्ट ज्यादा आसान है क्योंकि बहुत ही आसान है सर अगर फाइव एप्पल का कॉस्ट है फिफ्टी रुपीज तो अगर आप मुझे पूछते टेन एप्पल का कॉस्ट तो मैं सीधा बताता कितना फाइव एप्पल का कॉस्ट फिफ्टी रुपीज तो टेन एप्पल का कॉस्ट हंड्रेड रुपीज आकाश इज आस्किंग कुड यू प्लीज एक्सप्लेन इन इंग्लिश डेफिनेटली आकाश डेफिनेटली समवेयर इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड आई एम रेडी टू स्पीक इन इंग्लिश एज वेल आकाश बस बट दिस इज एक्चुअली नॉट द इंग्लिश

टोटल कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीज जब मैंने नंबर ऑफ एप्पल डिक्रीज किया तो टोटल कॉस्ट ऑल्सो डिक्रीज तो ये क्या था डायरेक्ट प्रोपोर्शन था अब हम लोग इनवर्स प्रोपोर्शन को देखते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है गौरी का पूछना है सर कौन कौन सी क्लास चल रही है मुझे नहीं आइडिया कौन कौन सी क्लास चल रही है मैं अपनी क्लास मेरी क्लास मेरी तो चल रही है मुझे पता है गौरी ओके okay. तो यहां पे नेक्स्ट क्लास ऑफ बोर्ड्स एंड स्पीड प्लीज बिल्कुल बिल्कुल रत्न बिल्कुल आगे आने वाले क्लास हम बोर्ड्स एंड एंड स्ट्रीम्स टाइम डिस्टेंस पे भी डिस्कस करेंगे पहले ये टॉपिक को समझ लेते हैं अब हम प्रोपोर्शन की बात करते हैं 23 अगर लोग मिलकर इस रूम को पेंट कर सकते हैं ट्वेंटी डेज में तो टेन पीपल कैन पेंट दिस रूम इन होमनी डेज तो दस लोग इस रूम को कितने दिन में पेंट करेंगे बारह लोग इस रूम को पेंट करते हैं दिन में तो दस लोग इसी रूम को कितने दिन में पेंट करेंगे ट्वेल्व पीपल कैन पेंट दिस रूम इन ट्वेंटी थ्री डेज देन टेन पीपल कैन पेंट द सेम रूम इन हाउ मेनी डेज अंग्रेजी में भी मैंने बोला हिंदी में भी बोला ब्रजेंद्र क्वेश्चन की जगह मेरी स्माइल पे पागल हुए बैठे हैं क्या बताएं राजेंद्र, कम ऑन ब्रजेंद्र क्वेश्चन को समझिए रक्षित कह रहे हैं सर साढ़े सत्ताइस के लगभग आसपास ट्वेंटी सेवन पॉइंट सिक्स

लेकिन इन्वर्स प्रोपोर्शन में बता दूं इन इन्वर्स प्रोपोर्शन एक्चुअली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज नॉट एट ऑल वैलिड दिस इज नॉट एट ऑल वैलिड ओनली डिवीज़न एंड मल्टीप्लीकेशन इज वैलिड इन इनवर्स प्रोपोर्शन और डिवीज़न मल्टीप्लीकेशन ये भी कैसे वैलिड होता है वन एंटिटी इफ यू आर मल्टीप्लाइंग विद सम नंबर अदर एंटिटी यू हैव टू विद दैट पर्टिकुलर नंबर किसी एक एंटिटी को अगर आप एक नंबर से मल्टीप्लाई करो तो दूसरी एंटिटी को उसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करना होता है यानी तो किसी एंटिटी को अगर पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो दूसरी एंटिटी को उसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है तो इसलिए इनवर्स प्रपोर्शन थोड़ा टफ होता है डायरेक्ट प्रपोर्शन से तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आपको लग रहा है इनवर्स प्रपोर्शन टफ हो रहा है कोई बात नहीं आप ये इनवर्स प्रपोर्शन को डायरेक्ट प्रपोर्शन में ही बदल दीजिए आसान बनाने के लिए क्योंकि आपने प्रोग्रेशन में ये जो

शायद पिछले जन्म की घटना है कि मैं प्रोग्रेशन पढ़ा था ऐसा है क्या वासुदेव वेरी गुड मंथन कह रहे हैं हाँ सर बिल्कुल ओके okay. तो अब यह डायरेक्ट इनवर्स की बात क्यों हो रही क्योंकि टाइम एंड वर्क में आपको तीन एंटिटी स्पेशली तीन एंटिटी से मुलाकात होगी कौन सी तीन एंटिटी एक तो टाइम दूसरा है वर्क और तीसरा वो लोग होंगे जो पीपल या मेन कह सकता हूं मैं मेन हु डू द वर्क मेन का मतलब मेन विमेन दोनों है विमेन

बारह में बहुत कुछ था अभी सिर्फ हम हैं किसमें 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 बारह में नहीं समझ में आया मुझे नॉन प्राइम का निखिल का कहना है सर आपने नॉन प्राइम का शॉर्टकट नहीं बताया बता बता दूंगा निखिल आज के क्लास एंड होने के पहले पूछ लीजिएगा डेफिनेटली बता दूंगा याद आ गया वेरी गुड मुदित कह रहे हैं सर इसी जन्म में पढ़ा था ओके okay. तो टाइम एंड वर्क में अगर मैं कहूं पीपल कांस्टेंट हैं तो टाइम और वर्क टाइम वर्क एंड मेन में अगर मेन कांस्टेंट है पीपल कांस्टेंट है वर्कर कांस्टेंट है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि टाइम एंड वर्क ये दोनों एंटिटी डायरेक्ट प्रपोर्शन है या इनवर्स प्रपोर्शन ये मुझे बताइए अगर मेन कॉन्स्टेंट है वर्कर कॉन्स्टेंट है तो ओके ओके मंथन नो प्रॉब्लम मंथन बोल रहे हैं सर क्या बताऊं मैं जो भी बोल रहा हूं और आपको समझ में भी नहीं आ रहा है तो मुझे बताना पड़ रहा है कि मैंने जोक बोला आप काश हंस देते ओके मंथन हंस दिया मैं ओके तो इनवर्स कहने का मतलब है इनवर्स है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बिकी सब तक रक्षित सिमर अंशुल प्रांजलि का कहना है डायरेक्ट है अंशुल का कहना है डायरेक्ट है कह रहे इनवर्स इन्व, है और शुभम कह रहे हैं डायरेक्ट हाँ मैं समझ गया अब इन्वर्स है, दोनों आएगा सर। ओके चलिए समझते हैं कि डायरेक्ट है या इनवर्स है सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात मैन कॉन्स्टेंट है लोग कॉन्स्टेंट है पीपल कॉन्स्टेंट है वर्कर कॉन्स्टेंट है जैसे मान लीजिए मैं हूं एक कॉन्स्टेंट पर्सन मैं हूं अगर आप मुझे ज्यादा टाइम दोगे तो मैं ज्यादा टाइम में कम काम करूंगा और जब आप मुझे कम टाइम दोगे तो कम टाइम में मैं ज्यादा काम करूंगा इज इट पॉसिबल क्या ऐसा हो सकता है कि ज्यादा टाइम में कम काम और कम टाइम में ज्यादा काम जैसे मैं अकेला एक काम कर रहा हूं तो ज्यादा टाइम में मैं कम काम कर रहा हूं और कम टाइम में ज्यादा काम कर रहा हूं इज इट पॉसिबल यस या नो नहीं इसका मतलब ज्यादा टाइम में मैं ज्यादा वर्क कर सकता हूं कम टाइम में कम वर्क कर सकता हूं यानी तो कम वर्क करने के लिए कम टाइम की जरूरत होगी ज्यादा वर्क करने के लिए ज्यादा टाइम की जरूरत होगी इट मीन दिस इज अ डायरेक्ट प्रपोर्शन ये हमारा क्या है डायरेक्ट प्रपोर्शन है इज इट क्लियर समझ में आ रहा है यस नो मोर टाइम मोर वर्क कैन बी डन लेस टाइम लेस वर्क कैन बी डन और एल्स इन ऑर्डर टू डू लेस वर्क वी रिक्वायर लेस टाइम इन ऑर्डर टू डू मोर वर्क वी रिक्वायर मोर टाइम इट इज द डायरेक्ट प्रपोर्शन नाउ लेटे

आपके ऊपर निर्भर करता है अच्छा ऐसा है क्या सुमित नहीं नहीं बस एग्जाम्पल के तौर पर मैं हूं इनवर्स यहां पे आ रहा है अग्रवाल जी का कहना है कि सर डायरेक्ट है वासुदेव भी कह रहे हैं डायरेक्ट शुभम भी डायरेक्ट मंथन इनवर्स मुदित डायरेक्ट अंकिता इनवर्स विकी करे अब इनवर्स अंशुल इनवर्स डायरेक्ट ओके ठीक 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 समझ गया पहली बार में आपने दोनों मिला के बोला कि सर ये डायरेक्टली इनवर्स है इस बार आप दोनों को मिला के बोल रहे हो सर ये इनवर्सली डायरेक्ट है दोनों शब्द आएगा ओके okay, चलिए समझते हैं टाइम फिक्स है समय फिक्स है मान लीजिए हमारे पास वन वीक का टाइम है एक सप्ताह का टाइम है फिक्स है समय फिक्स है टाइम एक सप्ताह है ओके okay? अब अगर मैं ज्यादा लोग काम पे लगाऊंगा तो वन वीक में कम काम होगा और जब मैं कम लोग काम पे लगाऊंगा तो वन वीक में ज्यादा काम हो जाएगा क्या ऐसा है नहीं ज्यादा लोग ज्यादा काम करेंगे वन वीक में कम लोग कम काम करेंगे वन वीक में या नहीं तो कम काम करने के लिए कम लोगों की जरूरत होगी ज्यादा काम करने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत होगी इसका मतलब यह भी आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन है जब टाइम कांस्टेंट है लेकिन माय डियर फ्रेंड जब वर्क कांस्टेंट हो उस केस में टाइम और मैन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इज इट क्लियर उस केस में टाइम और मैन इनवर्सली अगर वर्क फिक्स हो तब टाइम एंड मैन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब इन तीनों पैर में सॉरी इन तीनों एंटिटी में सिर्फ एक ही पैर ऐसा है जो कि इन्वर्स प्रोपोर्शन है बाकी के दोनों पैर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है क्लियर यस yes? चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब मूविंग फर्दर अगर मैं कहूं कि ए के पास टेन चॉकलेट्स हैं और बी के पास ट्वेंटी चॉकलेट्स हैं तो टुगेदर इनके पास कितने चॉकलेट्स हैं तो आप बोलोगे सर थर्टी चॉकलेट्स ये तो आप डायरेक्टली बता दोगे कि सर दोनों को मिला के कितने चॉकलेट्स हैं तो तीस चॉकलेट है डायरेक्ट प्रपोर्शन है सीधा एड कर दिए लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे पूछूं कि ए कैन पेंट दिस रूम इन टेन डेज वेर एज बी कैन पेंट दिस रूम इन ट्वेंटी डेज क्या अब मैं पूछूं टुगेदर दे विल पेंट इन तो क्या आप बोलोगे कि सर थर्टी डेज नहीं एक किसी कार्य को जैसे इस रूम को किसी कार्य को पेंट कर रहा है सॉरी किसी रूम को पेंट कर रहा है या किसी कार्य को कर रहा है अकेले दस दिन में बी उसी कार्य को कर रहा है बीस दिन में तो दोनों मिलकर क्या तीस दिन में करेंगे बिल्कुल नहीं क्योंकि एक किसी कार्य को अगर दस दिन में कर रहा है एंड समवन इज कमिंग एंड हेल्पिंग ए कोई आके ए की मदद करे तो ए दस दिन भी नहीं लेगा ये कार्य जो है दस से कम दिन में खत्म हो जाएगा यस निकुंज पंद्रह भी नहीं लगेगा ना श्री राम ए अकेले दस दिन में कर रहा है कोई आके मदद करे तो और दस से कम ही लगेगा मतलब जब दोनों मिलके काम करेंगे तो इसका मतलब इन दोनों से हमें कम वैल्यू लगेगा दोनों में कम टेन है तो हमारा आंसर टेन से भी कम होगा हेमा राइट तो ये क्या है इनवर्स प्रपोर्शन है तो मैंने कहा कि इनवर्स प्रपोर्शन को आप डायरेक्ट प्रपोर्शन में बदल सकते हैं टू मेक इट ईजी कैसे समझते हैं मान लीजिए ये वॉल है इस पूरे वॉल को ए पेंट कर रहा है टेन डेज में मान के चलते हैं ये पूरा दीवार ए पेंट करता है टेन डेज में तो एक दिन में कितना पेंट करेगा तो आप कहोगे सर एक दिन में कितना पेंट करेगा मतलब पूरे दीवार को टेन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा और एक पार्ट को वो पेंट कर देगा कुछ लोग कह रहे नहीं सर क्यों डिवाइड करेगा उसकी मर्जी बिना डिवाइड किए कहीं भी पेंट कर सकता है हो सकता है यहां पर पेंट कर दे बिल्कुल वहां भी बीचों बीच भी पेंट कर सकता है वो लेकिन क्या मैं कह सकता हूं जो वो पेंट किया एक दिन में तो एक दिन का काम क्या है है राइट right? दिन दिन में 2 10, तीन दिन में थ्री बाय डायरेक्ट प्रपोर्शन है वन डे का वर्क वन बाय टेन टू डेज का वर्क टू बाई टेन फाइव डेज का वर्क फाइव बाय टेन टेन डेज का वर्क टेन बाय टेन इक्वल टू वन मतलब वर्क ही कंप्लीट हो गया टेन बाय टेन मतलब वर्क वन हो कंप्लीट हो गया फ्रैक्शन वन हो गया तो कंप्लीट हो गया है सर केमिकल इंजीनियरिंग की बैचेस कब से शुरू होगी निर्मल का पूछना है जस्ट अ मोमेंट तो मैंने पता किया है केमिकल इंजीनियरिंग आई थिंक वॉइस आ रही है आवाज आ रही है मुदित करें फोर्टी बाई सिक्स आवाज आ रही है सबको एम आई ऑडिबल यस नो कुछ तो बोलिए हाँ बिल्कुल बिल्कुल ओके वासुदेव तो चलिए यहां पे मैं बोल रहा था कि इस चीज को हम लोग डायरेक्ट प्रपोर्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं टू तो मेक इट इजी कैसे जैसे ठीक वैसे जैसे हम लोगों ने हार्मोनिक को कोर्थमेटिक में बदला था बाय डेज ले रहे है ये तो पर डे वर्क इसका क्या होगा वन बाय टेन हो जाएगा ट्वेंटी बाय वन ये डेज ले रहा है तो पर डे वर्क क्या होगा इसका वन बाय ट्वेंटी हो जाएगा ठीक वैसे ही जैसे हमने हार्मोनिक को ऑर्थमेटिक में बदला था हमने डायरेक्ट इनवर्स को डायरेक्ट में बदल दिया अब क्योंकि ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है तो एडिशन तो वैलिड होगा तो दोनों का मिला के पर डे वर्क क्या हो जाएगा 1 by 10 plus 1 by 20, क्योंकि डायरेक्ट प्रपोर्शन में एडिशन वैलिड है अगर मैं गलत नहीं हूं तो एलसीएम आएगा ट्वेंटी और न्यूमरेटर में आएगा दैट इज उनका पर डे वर्क है तो डेज कितने लेंगे तो ऑब्वियस है इसका रेसिप्रोकल लेंगे मतलब ट्वेंटी बाई थ्री डेज लेंगे विच इज इक्वल टू सिक्स बार डेज लेंगे दोनों मिलकर काम करें तो सिक्स पॉइंट बार डेज लेंगे या सिक्स टू बाई थ्री डेज लेंगे इज इट क्लियर टू ऑल समझ में आ रहा है ठीक वैसे ही जैसे हम लोग हार्मोनिक को अर्थमेटिक में बदलते थे यहाँ पे इनवर्स को हमने डायरेक्ट में बदला सॉर्ट आउट किया डायरेक्ट प्रोपोर्शन से ही, लेकिन जो आंसर आया फिर उसका रेसिप्रोकल लिखे और बोले दिस इज द आंसर फॉर गिवन इनवर्स प्रोपोर्शन क्वेश्चन क्लियर है सबको यस मंथन श्रीराम वेरी गुड लेकिन 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 ये सारे क्वेश्चन जो है आपको एकदम फास्ट करने होंगे मतलब आप पेन पेपर यूज करें ना करें कैलकुलेटर यूज करें ना करें उससे मुझे मतलब नहीं है आपको एकदम फास्ट करना है तो अगले स्क्रीन में जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा तुरंत तुरंत आप उसका आंसर करते चले जाओगे क्योंकि मैं सिर्फ 30 ही टाइम दूंगा आपको ओनली थर्टी सेकेंड टाइम दूंगा हाँ ध्यान रहे क्योंकि मैं पोल जो है वो इंटीजर टाइप दूंगा तो इंटीजर टाइप में आपको डायरेक्टली पोल में यहां पे चैट में आंसर लिखना है मान लीजिए आपका आंसर कहीं 22.2 आया तो उसको आप 22 लिखोगे अगर 22.5 आया तो आप उसे ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव आया तो भी आप उसे 23 लिखोगे मतलब डेसिमल जो है वो आप राउंड ऑफ कर दोगे आर यू गेटिंग मी इज इट क्लियर यस निर्मल मैंने बताया कि केमिकल इंजीनियरिंग अभी नहीं अंकित कह रहे हैं कैन यू रिपीट सर बिल्कुल बिल्कुल मैं रिपीट कर रहा हूं एक किसी काम को दस दिन में करता है बी उसी काम को बीस दिन में करता है तो दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं तो मैंने क्या किया ए का पर डे वर्क निकाल लिया वन बाय टेन और बी का पर डे वर्क वन बाय ट्वेंटी क्यों निकाला पर डे वर्क क्योंकि इनवर्स को डायरेक्ट में बदल दिए और डायरेक्ट में एडिशन वैलिड था तो दोनों का मिला के पर डे वर्क हो गया थ्री बाय ट्वेंटी वर्क हुआ तो डेज कितने होंगे जैसे डेज थे टेन बाय वन तो पर डे वर्क हमने लिखा वन बाय टेन यहां पे दोनों का मिला के पर डे वर्क है थ्री बाय ट्वेंटी तो डेज कितने होंगे ट्वेंटी बाय थ्री डेज विच इज इक्वल टू तो सिक्स पॉइंट सिक्स बाई डेज और सिक्स टू बाई थ्री डेज ओके सुमित कह रहे हैं हाँ सर समझ गया राज इज इट क्लियर 22.3 को आप 22 लिखोगे मतलब आगे जब मैं पोल स्टार्ट करूंगा ना तो आप चैट में आंसर दोगे क्योंकि इंटीजर टाइप मैं सेलेक्ट करूंगा तो आप चैट में इंटीजर लिखना है आपको तो डेसिमल वाला पार्ट जो है कैसे राउंड ऑफ करना है वो मैं बता रहा हूं कहीं अगर आपको आंसर आ रहा है 63.8 तो आप उसे 64 लिखोगे पॉइंट फाइव या उससे ज्यादा है तो नेक्स्ट राउंड नेक्स्ट नंबर तक राउंड ऑफ करेगी पॉइंट से अगर कम हो रहा है तब उसको प्रीवियस नंबर पे राउंड ऑफ करोगे क्लियर है ओके okay, तो चलिए सबसे पहले तो मैं ये पोल वाला स्टार्ट कर लू टाइम एंड वर्क बिल्कुल पोल स्टार्ट हो चुका है तो चलिए यहां पे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा ये। ए कैन डू अ वर्क इन ट्वेंटी डेज बी द सेम वर्क इन थर्टी डेज इन हाउ मेनी डेज द वर्क वुड बी कंप्लीटेड इफ दे वर्क टुगेदर तो दोनों मिलकर कितने दिन में बहुत ही आसान सा सवाल तीस सेकेंड आपका समय शुरू होता है अब एक इसी कार्य को करता है बीस दिन में बी उसी कार्य को करता है तीस दिन में तो दोनों मिलकर कितने दिन में बहुत ही आसान सा सवाल इसीलिए मैंने तीस सेकंड दिया है तो समय समाप्ति की घोषणा हो गई है तो दोनों मिलकर कितने दिन में तो यह बहुत ही आसान सा सवाल है

अब दोनों मिलकर पर डे वर्क बाई ट्वेंटी प्लस में ये तो डिनोमिनेटर में, तो 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 में आपको बन रहा है, 3 2, मतलब 5. 5 उनका पर वर्क है. तो डेज कितने लेंगे उसका रेसिप्रोकल मतलब ट्वेल्व मतलब डेज तो नो डाउट यहां पे बारह आपका आंसर होना चाहिए एक दो सिंपल एग्जैक्ट बारह आंसर है रिजल्ट की बात करें तो नाइनटी थ्री परसेंट लोगों ने सही जवाब दिया है बिल्कुल सुपर स्टूडेंट्स सबसे टॉप पे है विश्वदीप विश्वदीप वेरी गुड जीनियस एक्स्ट्रॉर्डनरी सेकेंड पे है शुभदीप थर्ड पे है शुभम फोर्थ पे है आशुतोष फिफ्थ पे वासुदेव सिक्स पे राज एंड सो ऑन उसके बाद बिकी हैं सिमर हैं अग्रवाल रक्षित सक्षम श्रीजिता मंथन अश्विनी निमांशु अंशुल सप्तक ऑडियो अच्छा ऑडियो आपका नाम है ओके okay. डिजिटल वर्ल्ड निकुंज एंड so सो ऑन श्रीकांत और बहुत सारे लोग क्लियर है तो इसमें फाइव बाई सिक्सटी का इन्वर्स बिल्कुल बिल्कुल सक्षम बिल्कुल सही यस yes, अतुल बोलिए अच्छा हाय बोल रहे हैं आप मुझे हाय सर कैलेंडर से तो क्वेश्चन आए नहीं काफी टाइम से काफी टाइम से नहीं आए देखिए गेट में इंक्लूड ही कब हुआ एप्टीट्यूड 2010 में और कैलेंडर का क्वेश्चन कब आया 2017 में तो 2010 से 2017 हजार सात साल हो गए ओके तो सात साल बाद कैलेंडर का क्वेश्चन आया सात साल नहीं आया छ साल नहीं आया सातवां साल आया ओके कोई बात नहीं उसके आगे जो है अभी चल रहा है 2023 मतलब आप लोग एग्जाम लिखोगे 2024 में तो इसकी क्या गारंटी कि हर सात साल में ये लोग कैलकुलेट करके बैठे हों कि सेवन डेज का वीक होता है और डेज निकालने के लिए सेवन है तो चलो सात सात साल में कैलेंडर देंगे हो सकता है कभी भी पूछ सकते हैं नहीं भी पूछ सकते हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है मिस्टर एबीसी ओके लेकिन हमें तैयार रहना है ऑडियो कह रहे है सर ये अच्छा लॉजिक है बिल्कुल एलसीएम ही तो मैंने लिया सूरज एलसीएम ही तो लिया बीस और तीस का मैंने क्या लिया एलसीएम ही तो लिया बीस तीस का एलसीएम साठ बीस में कितना मल्टीप्लाई करेंगे साठ आएगा तीस में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि साठ आएगा ओके okay? यस yes, नवीन ओके <laughs> okay, तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर नो डाउट आपने ट्वेल्व डेज जो बोला बिल्कुल सही जवाब किसी को यहां पे नहीं लगता है कि चाहिए एक्सप्लेनेशन तो मैं आगे बढ़ जाता हूं चल आई किसी को एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मेंशन कीजिएगा अनिश कह रहे है, इसका मतलब इस बार कैलेंडर आने वाला नहीं नहीं ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला अनिश ऐसा नहीं कि अगर मैं बोल दूं और ये वाली क्लिप आपने काट के रख ली और एग्जाम में आ गया तो फिर आई वाले मुझसे पूछेंगे कि आपको कैसे पता चला ओके okay, तो मैं ये सब नहीं बोल रहा हूं मुझे नहीं पता क्या आने वाला है कुछ भी आ सकता है क्लियर है वेरी गुड वेरी गुड तो चलिए आगे बढ़ते तो मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी आपको तीस सेकेंड का टाइम दिया जाएगा सिर्फ किसी को अगर चाहिए तो आप लिख दीजिएगा सर नोट्स चाहिए तो मैं बता दूंगा लेकिन बिना नोट्स के आप कर सकते हैं आपके पास है वो ब्रेन वो फास्टनेस तो ये रहा क्वेश्चन पी कैन डू अ वर्क इन 25 फाइव डेज एंड क्यू द सेम वर्क इन 40 डेज इन हाउ मेनी डेज द वर्क वुड बी कंप्लीटेड इफ दे वर्क टुगेदर पी किसी कार्य को 25 दिन में करता है क्यू उसी कार्य को 40 दिन में अगर दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो कितने दिन में काम खत्म होगा और 30 सेकेंड के लिए इंटीजर टाइप आपका क्वेश्चन का पोल स्टार्ट होता है अब तो समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है तो देखते हैं कि यहां पे आंसर क्या होना चाहिए तो बहुत ही आसान है देखिए यहाँ पे पी किसी कार्य को कर रहा है पच्चीस दिन में मतलब पी का पर डे वर्क हो गया वन बाय ट्वेंटी फाइव क्यू उसी कार्य को कर रहा है फोर्टी डेज में तो क्यू का पर डे वर्क हो गया वन बाय फोर्टी वन बाय ट्वेंटी फाइव प्लस वन बाय फोर्टी हमको करना है टुगेदर पर डे वर्क लाने के लिए ट्वेंटी फाइव फोर्टी कैल्सियम कितना है टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव इज टू हंड्रेड एट जा फोर्टी मच इज टू हंड्रेड फाइव जा मतलब न्यूमरेटर में हमारे पास आ रहा है एट प्लस फाइव मतलब थर्टीन तो हमें आया थर्टीन बाय टू हंड्रेड उनका पर डे वर्क तो डेज कितने लेंगे उसका रेसिप्रोकल मतलब टू हंड्रेड बाय थर्टीन डेज तो टू हंड्रेड को हमें थर्टीन से डिवाइड करना है सर इसके लिए भी कैलसी चाहिए क्या नहीं बिल्कुल नहीं

पॉइंट थ्री एट पॉइंट थ्री आपने कहा सर कि हटा देना है तो सीधा उसको फिफ्टीन पे राउंड ऑफ कर देंगे तो फिफ्टीन ही हमारा यहां पे आंसर आना चाहिए वन फाइव ओके

ओके okay. फिफ्थ पे है मंथन सिक्स पे है अखांचा उसके बाद कंटिन्यूड है श्रीकांत ऑडियो प्रिंस साहिन सक्षम बिक्की सुबदीप प्रतीक अंकिता स्टडी हब वैभव काजल हर्षा एंड सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन मतलब 97 सेवन परसेंट मतलब मैं कह सकता हूँ लगभग सब लोग हमारे तो इसका आंसर कितना है फिफ्टीन होल नंबर 5 बाई थर्टीन यानी तो आप बोल सकते हैं 15.38 कुछ ऐसे आएगा yes. राइट विच कॉलेज इज बेस्ट फॉर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ये डिपेंड करता है ये डिपेंड करता है बहुत सारे आई भी अच्छे हैं बहुत सारे एनआईटीस भी अच्छे हैं ओके आप किस मकसद से पूछ रहे हो पढ़ाई कैसा हो रहा है इस मकसद से पूछ रहे हो या प्लेसमेंट कैसा है उस मकसद से पूछ रहे हो ये डिपेंड करता है क्योंकि सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है आई की अपनी इंपॉर्टेंस है एन की अपनी इंपॉर्टेंस है आई एस बैंगलोर की बात करूं तो उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है अगर मैं निटी मुंबई की बात करूं तो उसका अलग इंपॉर्टेंस है तो सब अपने अपने इंपॉर्टेंस के अनुसार है ऋतिक कह रहे सर एम अच्छा एम आई टी कहाँ में पुणे ऋतिक ऋतिक एम कॉलेज कोथरूड पुणे टॉप आई ओके ग्रुप ऑफ का कहना आई टी बॉम्बे में सीएससी के लिए एमटेक करने के लिए रक्षित एमटेक करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए बिल्कुल इस बार मैं फोन करके पूछूंगा कितने मार्क्स कितने मार्क्स पूछ रहे हैं रक्षित कितने मार्क्स ला के देना है बताइए आप लोग रक्षित रेडी है इतने मार्क्स लाने के लिए बिल्कुल 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 दे सकते हैं ओके okay? तो चलिए आगे बढ़ते फिफ्टीन पॉइंट थ्री एट को फोर्टीन लिखना था नहीं 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 वासुदेव फिफ्टीन पॉइंट फाइव या उससे ज्यादा होता तब आप सीधा जाते फोर्टीन पे लेकिन फिफ्टीन पॉइंट फाइव एट होता तो आप सिक्सटीन पे चले जाते फाइव या फाइव से ज्यादा होता तो फिफ्टीन पॉइंट थ्री है तो फिफ्टीन कहलाएगा फोर्टीन कहां से चला जाएगा और एक नंबर क्यों कम करेंगे हम राउंड ऑफ करना है ओके उज्वल आई टी पाकिस्तान गुड तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर अब यह प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे इफ ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन फोर्टी डेज अगर ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को करते हैं चालीस दिन में वेर एज ए अलोन इन सिक्सटी डेज देन बी अलोन इन होमनी डेज अगर ए उस कार्य को अकेले कर लेता है साठ दिन में तो बी अकेले कितने दिन में और आपका तीस सेकेंड के लिए इंटीजर टाइप होल स्टार्ट होता है अब भवेश पूछ रहे हैं सर टू मंथ्स में गेट क्वालिफाई हो सकते हैं क्या बिल्कुल गेट क्वालिफाई करना कौन बड़ी बात है खाली आप नॉन टेक पढ़ के चले गए पूरा ट्वेंटी एट के ट्वेंटी एट मार्क्स में क्वालिफाई कर जाओगे क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट नहीं है रैंक लाना है आई so, थिंक समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है और यहाँ पर ज्यादातर लोगों ने 120 बोला है तो बहुत ही सिंपल है ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं 40 डेज में मतलब दोनों का मिलकर पर डे वर्क है 1 बाय फोर्टी

रखूंगा, अपने पास मैं बचा के रखूंगा कि यह था एक्ट बच्चे वेरी गुड निकुंज ऑन द टॉप वेरी गुड एक्सलेंट सुपर मारुला जीनियर एक्सट्रॉडनरी सेकेंड पे शुभम थर्ड आशुतोष फोर्थ वासुदेव फिफ्थ राज ंशुल स्टडी हब रक्षित बिक्की ब्रजेंद्र प्रतीक सुबदीप ऑडियो सो ऑन 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 एंड ऑल माई स्टूडेंट्सिंग द सेशन क्योंकि हंड्रेड परसेंट यहाँ पे आप लोगों का आया है तो आगे तो आगे तो आगे तो everyone. मेरा सपना आप लोगों ने पूरा सिर्फ आधा किया है सुमित ये सपना तो अभी भी आधा ही है बाकी का आधा सपना आपको पूरा करना है सेम थिंग गेट एग्जाम में लाना है ओके सेम थिंग जो है गेट एग्जाम में लाना है तब बाकी का आधा सपना भी पूरा हो जाएगा ओके okay, अभी चांद पूरा करना बाकी है चांद अभी अधूरा ही है ओके okay, तो चलिए आगे बढ़ते सुमित ठीक कह रहे हैं सर आपका सपना साकार हो गया सपना आधा ही साकार हुआ बाकी आधा बाकी आधा अभी और आधे का इंतजार है बिल्कुल बिल्कुल डोरेमोन कह रहे हैं सर खुशी में पार्टी तो बनती बिल्कुल बिल्कुल पार्टी बिल्कुल बनती है कोई दिक्कत नहीं है ओके के रहे हैं सर, बिल्कुल आगे आपको डेफिनेटली बाकी का सपना भी हम ही लोग पूरा करके देंगे सर आप टेंशन ना लें तो बहुत ही सिंपल इसका आंसर 120 डेज आ गया लेकिन ये सारी चीजें आप लोगों ने 30 सेकंड में की गुड अब आगे बढ़ते हैं टाइम एंड वर्क के मेन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन दिया है ए कैन डू अ वर्क इन ट्वेंटी डेज वेर एज बी इन थर्टी डेज अब इस तरह के क्वेश्चन आपको गेट एग्जाम में प्लेस किए जाएंगे जो अभी तक देखे वो तो जस्ट बेसिक था अब

थ्री डेज बिफोर द वर्क आउट कंप्लीटेड और बी कहा जाता है जहां पे काम खत्म हुआ वहां से तीन दिन पहले बी चला जाता है तो देन द टोटल वर्क वॉज डन इन हाउ मेनी डेज तो पूरा काम कितने दिन में हुआ है ये आपको पता करना है चलिए मैं आपको हिंट देता हूं हिंट ये है मान लीजिए कि यहां पे कार्य स्टार्ट हुआ वर्क स्टार्ट हुआ एंड अप हियर इट अपटिल और यहां पे कंप्लीट हुआ ओके तो स्टार्टिंग से एंडिंग तक स्टार्टिंग में क्या हुआ तीनों मिलके काम शुरू किए हैं इट इज क्लियरली गिवन दे आर वर्किंग टुगेदर मतलब तीनों मिलके यहां काम कर रहे हैं ए बी सी सब

यहां से तीन दिन पहले बी छोड़ दिया मतलब यहां पे कौन काम कर रहा था अकेला बेचारा सी काम कर रहा था तो ये पूरा वर्क कितने दिन में हुआ है ये आपको बताना है तो रक्षित कह रहे हैं कि सर दिन में पूरा काम हुआ है अश्विनी का कहना है सर पूरा काम पांच दिन में हुआ है ट्वेंटी डेज ड्रॉइंग का कहना है डिजिटल वॉल का कहना है ट्वेंटी फाइव डेज लगेगा सर संदीप का कहना है ट्वेंटी डेज अश्विनी का कहना है ट्वेंटी डेज शुभम ट्वेंटी डेज निकुंज ट्वेंटी आशुतोष ट्वेंटी ओके 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 चलिए समझते हैं चलिए समझते हैं ओके ट्वेंटी नाइन डेज भी आंसर आ रहा है पंकज ट्वेंटी नाइन आ रहा है या ट्वेंटी आया गलती से आपने टाइप कर दिया ट्वेंटी नाइन अंशुल को टेन भी आ रहा है गुड चलिए समझते हैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल है क्या मैं कह सकता हूँ ए का पर डे वर्क यहाँ पे दिया हुआ है वन बाई ट्वेंटी ओके और बी का पर डे वर्क अगर बात करें तो दिए दिया है वन बाई थर्टी और सी का पर डे वर्क की बात करें तो सी का पर डे वर्क हो गया वन बाय सिक्सटी अब शुरुआत में तीनों काम कर रहे थे मतलब ये जो काम था ये तीनों कर रहे थे मतलब ए एंड बी एंड सी सब काम कर रहे थे तो ए का वन बाय ट्वेंटी और बी का वन बाय थर्टी और सी का वन बाई सिक्सटी सब हमने ऐड किया क्योंकि तीनों मिलके काम कर रहे थे तो एलसीएम बना सिक्सटी और न्यूमरेटर में क्या बनेगा थ्री प्लस टू प्लस वन मतलब थ्री प्लस टू फाइव प्लस वन सिक्स सिक्स बाई सिक्सटी मतलब आपको वन बाय टेन आएगा वन बाय टेन कितने दिन का काम है ये एक दिन का काम है तीनों का मिला के एक दिन का काम है एक दिन में ये वन कर रहे हैं। वैसे ये लोगों ने कितने दिन, दिन काम किया दो दिन काम किया तो दो दिन में कितना किए किए होंगे? यहां पे टू होंगे। पे अब बात करते हैं तो लास्ट के थ्री डेज आप बोल रहे हो सर लास्ट के थ्री डेज सी काम किया तो आप थी थी सी आपको पता है कि सी एक दिन में कितना काम करता है वन तो में कितना काम करेगा थ्री बाय

और लास्ट के तीन दिन में वन बाय ट्वेंटी दोनों को हम ऐड करेंगे तो एल्सियम आएगा ट्वेंटी और न्यूमरेटर में आएगा फोर प्लस मतलब हो चुका है कंप्लीटेड है अगर पूरे काम में वन फोर्थ हो चुका है तो बचा काम कितना है तो आप कहोगे सर वन माइनस वन बाय फोर मतलब थ्री फोर्थ वर्क बचा हुआ है अगर एक चौथाई काम हो चुका है तो तीन चौथाई काम और बचा हुआ है वो तीन चौथाई थ्री फोर्थ वर्क किसने किया है वो डेफिनेटली थ्री फोर्थ वर्क बी और सी ने किया होगा अब अगर हम बात करें बी और सी की बी एंड सी की बात करें बी और सी की बात करें तो पर डे वर्क बी का कितना दिया है वन बाई थर्टी और सी का कितना दिया है वन बाई सिक्सटी अगर हम एलसीएम लें तो एलसीएम आएगा सिक्सटी और न्यूमरेटर में आएगा टू प्लस वन डेट इस मतलब इनका पर डे वर्क आ रहा है वन बाई ट्वेंटी बी और सी का पर डे वर्क आ रहा है पर डे वर्क वन बाय ट्वेंटी आ रहा है मतलब वन टोटल वर्क एक पूरे कार्य को बी एंड सी मिलके कर सकते हैं कितने दिन में ट्वेंटी डेज में लेकिन उनको पूरा कार्य तो करना नहीं है कार्य कितना बचा हुआ है कार्य वन फोर्थ हो चुका है मतलब अब क्या बचा हुआ है थ्री फोर्थ बचा है ये थ्री फोर्थ वर्क जो है बी और सी कितने दिन में करेंगे तो थ्री कर तो बाय तो फोर वर्क बी और सी करेंगे मतलब बी और सी ने कितने दिन के लिए काम किया पंद्रह दिन के लिए काम किया तो पूरा काम कितने दिन में हुआ पूरा काम कितने दिन में हुआ पहले दो दिन ए बी सी काम किए फिर बी और सी पंद्रह दिन काम किए फिर अकेला सी काम किया तो दो प्लस पंद्रह प्लस तीन टोटल वर्क वॉज डन इन ट्वेंटी डेज इज इट क्लियर टू ऑल ये मैंने आपको step by step बताया। लेकिन जरूरी नहीं है पहले तो ये समझ लीजिए लेकिन जरूरी नहीं कि ये सारी चीजें हमें करना पड़े आप डायरेक्टली भी बताऊं? क्लियर है मुदित को क्लियर है वेरी गुड यस आपने ट्वेंटी जो बताया बिल्कुल सही है ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप डायरेक्टली भी थोड़ा इससे जल्दी भी आंसर बता सकते हैं प्रांजलि यस yes, क्लियर है श्री राम ट्वेंटी वेरी गुड शुभम का कहना है यस सर क्लियर पंकज कह रहे हैं कि आपकी सर पांच मंथ पहले की वीडियो देखी थी उसमें भी यह क्वेश्चन कराया था सर अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल पंकज वेरी गुड क्लियर 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 प्लीज टेल द शॉर्टकट अंकिता अंकिता बिल्कुल शॉर्टकट नहीं जल्दी भी आप कर सकते हैं समझ समझेंगे कैसे क्लियर है बिल्कुल अंकिता जल्दी हम लोग कैसे कर सकते हैं मान लेते हैं मान के चलते हैं कि पूरा काम इतनी दूरी में कर सकते हैं आप इतनी जगह में कर सकते हैं कैसे समझिए है? मान लेते हैं कि पूरा वर्क एक्स डेज में हुआ पूरा जो कार्य हुआ ना वो एक्स डेज में हुआ हम आंसर ही मान लिए जो पूछा था ना पूरा कार्य कितने दिन में हुआ तो हम लोग मान के चले एक्स डेज में काम हुआ अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि शुरुआत से लेके अंत तक किसने काम किया स्टार्टिंग से एंडिंग तक किसने काम किया रक्षित कह रहे हैं सबसे पहले मैंने बताया था अगर पूरा काम एक्स डेज में हुआ है तो यहां कौन ऐसा है कि यहां से लेके वहां तक काम कर रहा है बिल्कुल आप जैसा एकदम कंसिस्टेंसी बना के रखा है कहीं कोई भी क्लास नहीं छोड़ना है कोई भी वर्क नहीं छोड़ना एकदम लास्ट तक काम कर रहा है सी वेरी गुड मुदित मुदित्रीजिता अंकिता बिल्कुल तो सी ने सारे डेज काम किए अगर डेज में काम हुआ तो सी ने सारे डेज काम किए सी का वन डे वर्क कितना है वन बाय सिक्स टू डेज का वर्क सर टू बाई सिक्सटी फाइव डेज का वर्क सर फाइव वर्क सी ने किया अब बात करते हैं बी की अगर पूरा एक्स डेज है तो लास्ट के तीन दिन बी एब्सेंट था अनुपस्थित था सॉरी अनुपस्थित था क्या बोलते हैं उपस्थित था अनुपस्थित था क्या बोलते हैं एब्सेंट को क्या बोलते हैं उपस्थित था अगर है तो प्रेजेंट था अनुपस्थित था मतलब प्रेजेंट ही होता है क्या कम से कम यह तो बताइए कि एबसेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में अनुपस्थित था अच्छा अनुपस्थित था ओके चलिए तो लास्ट के थ्री डेज वो एबसेंट था मतलब एक्स में से वो तीन दिन कमाया था एक्स में से तीन दिन कमाया था ब्रजेंद्र कह रहे सर अनूप बोल दीजिए हम समझ जाएंगे ओके ओके कोई बात नहीं ओके ओके तो यहां पे लास्ट के तीन दिन वो कमाया था मतलब एक्स माइनस थ्री डेज के लिए आया तो बी का डे वर्क क्या है तो कितने दिन के लिए आया a जो है पहला दो दिन आया a को एक्स से कोई लेना देना नहीं वो दो दिन आया चला गया दो दिन में काम करके चला गया तो ए का डे वर्क कितना है ए का वन डे वर्क है वन बाय तो टू डेज का वर्क टू बाई इतना वर्क ए ने किया प्लस इतना पार्ट ऑफ द वर्क बी ने किया प्लस इतना पार्ट ऑफ वर्क सी ने किया तीनों मिला के कितना वर्क किए तो तीनों मिला के एक कार्य को पूरा किए तो इज इक्वल टू वन पार्ट ऑफ द वर्क डन बाय ए प्लस पार्ट ऑफ द वर्क डन बाय बी प्लस पार्ट ऑफ द वर्क डन बाय सी ऑल टुगेदर दे डिड वन कंप्लीट वर्क तो इज इक्वल टू बस इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए एक्स की वैल्यू आ जाएगी एक्स मतलब टोटल नंबर ऑफ डेज है नहीं सर आप ही सॉल्व कीजिए ओके चलिए मैं ही सॉल्व करता हूं और 60, 30 और 20 का कैल्सियम क्या 60, 60 आप राइट हैंड साइड जाइए, इक्वल टू 60 बन गया, ये आपको x रहेगा प्लस, 32 जा 60 तो ये होगा 2x थ्री टू तो प्लस थ्री एक्स इज इक्वल टू सिक्स तो एक्स इक्ल टू कितनावल टू ट्वेंटी हो गया that's it. कर लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सिमर कह रहे हैं हाँ सर, ऐसे कर लेंगे, बिल्कुल तो अगला क्वेश्चन मैं दू अगला क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे टाइम देखिए कोई भी मेथड कोई भी मेथड से आप कर सकते हैं सब तक कह रहे हैं सर प्लीज एक्सप्लेन इट वंस अगेन कौन सा सब तक ये वाला पार्ट या फर्स्ट वाला अनिकेत कह रहे हैं, सर, कम काम करते हैं सिमर कह रहे हैं हाँ सर डन वी कैन डू इट सब तक कौन सा पार्ट मिस कर गए काजल क्लियर क्लियर। अच्छा बाहर चला गया बोल रहे सर ये एक बॉक्स से थोड़ा सा बाहर आ गया ऐसे कैसे कोई बात नहीं इसको भी हम इसी के अंदर ही लिखेंगे आप लोग बोल रहे सर चीटिंग कर रहे हो ये चीटिंग है ये लीजिए एक्सीडियस इसी के अंदर लिख दिया अब खुश <laughs> अनिश अब खुश इट इज इजी नाउ वेरी गुड तब तक दिस वन दिस वन मैं फिर से बता दूं सब तक I considered that total work was done in some X days. Saptak, I am sp uh, speaking in English. If you want, I can speak in Hindi. If you want, I can speak in Bengali as well. Okay. So, Saptak, total work was done in X days that we considered. Let's say total work was done in X days. So, starting to ending, who was working? Starting to ending, C was working. C was working everywhere. So, it means C has worked for all the X days. C, one day work we have seen as one day work as 1 by 60. 2 days work, it will be 2 by 60. 5 days work, 5 by 60. 8 days work, 8 by 60. So, x days work, x by 60. So, this much work C did. Okay. Now, come to B. If total days was x days, last 3 days B was absent. Means B came for x minus 3 days. So, B one day work, it was given as 1 by 30. 2 days work, 2 by 30. 5 days work, 5 by 30. x minus 3 days work, x minus 3 by 30. So, this much work B did. Coming to A. A came for 2 days.

एनी सेशन फॉर एच पी सी एल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड अनिकेत अलग से चाहिए हो जाएगा गेट से भी एच पी सी एल में आईओ सी एल में हो जाएगा गेट से भी यही तो मैं बता रहा था कि मिनी रत्ना ही नहीं महारत्ना ही नहीं नौरत्ना कंपनीज भी आपके लिए है गेट के थ्रू अंशुल थोड़ा इंक्रीज कीजिए स्पीड डेफिनेटली 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 ओके okay, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये और इसके लिए ऑप्शन भी आपको दिया गया है तो ऑप्शन भी दिया गया है तो ऑब्वियस है कि मैं आपको सिक्सटी सेकेंड टाइम दे रहा हूं ओके okay, और आपका समय शुरू होता है अब क्वेश्चन को समझिए ए कैन डू अ वर्क इन टेन डेज वेर एज बी इन ट्वेंटी डेज एंड सी इन सिक्सटी डेज सी हमेशा साठ दिन में ही करता है दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट एट द एंड ऑफ थर्ड डे ए लेफ्ट एट द एंड ऑफ थर्ड डे का मतलब है ए लेफ्ट आफ्टर थ्री डेज एंड बी लेफ्ट एट द एंड ऑफ फिफ्थ डे बी जो है लेफ्ट एट द एंड ऑफ फिफ्थ डे का मतलब after five days. ये मत सोचिएगा कि पांच दिन पहले कार्य खत्म होने के पांच दिन पहले एंड ऑफ फिफ्थ डे मतलब एंड ऑफ थर्ड डे मतलब आफ्टर थ्री डेज है वर्डिंग को चेंज किया गया मीनिंग वही है रिमेनिंग वर्क वॉज डन बाई सीन होमनी डेज तो b और d की लड़ाई चल रही है a भी आया आंसर क्या बात है क्या बात है किसको किसको ये आ गया बहुत सारे लोगों को ये आ गया सुपर्ब सुपर्ब सो टाइम कंप्लीट हुआ है जिन लोगों ने a कहा है देखते हैं उनको a आंसर आया है तो कैसे आया है और क्या a सही आंसर है या नहीं है समझते हैं यहाँ पे तो so, सबसे पहले a का पर डे वर्क यहां पे क्या होगा 1/10 B का पर क्या होगा 1 by 20. C का पर क्या होगा का 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 क्या क्या ये clearly दिया ना, A का 10, B का 20, C का 60. अब इन्होंने कहा दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर तीनों मिलके कार्य स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कार्य स्टार्ट हुआ यहाँ पे कम बंद हो गया मतलब कार्य खत्म हो गया अब आप कार्य को कहीं कार्य ना समझ ले तो खत्म हो गया यहाँ पे कार्य वर्क ओके कार्य मतलब वर्क अब बात करते हैं यहां कि स्टार्टिंग में तीनों मिलकर काम कर रहे हैं मतलब ए बी सी तीनों काम कर रहे हैं ये मैं आपको समझा देता हूं ए बी सी तीनों कर रहे हैं लेकिन ए लेफ्ट एट द एंड ऑफ थर्ड डे एंड ऑफ थर्ड डे मतलब तीन दिन के बाद ए चला गया मतलब तीन दिन तक ये काम चला ए चला गया मतलब यहां से बी और सी कंटिन्यू किए लेकिन फिर कह रहे हैं बी लेफ्ट एट द एंड ऑफ फिफ्थ डे मतलब बी और सी कॉम्बिनेशन कितने दिन चला सिर्फ दो दिन चला क्योंकि यहां पे बी छोड़ दिया बी का यहां फिफ्थ डे हो जाएगा बी छोड़ देगा उसके बाद सी काम किया यही दिया हुआ है ओके चलिए सॉर्ट आउट करते हैं आपका जो इक्वेशन वाला मेथड जो आपको लगा कि वही आसान है तो उससे कर लेते हैं मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ डेज एक्स डेज है पूरा डेज डेज टेकन है तो स्टार्टिंग से एंडिंग तक कौन काम कर रहा है आप बोलोगे सर सी कर रहा है तो सी काम कर रहा है सी का वन डे वर्क क्या वन बाई सिक्सटी टू डेज वर्क टू बाई सिक्सटी तो एक्स डेज का वर्क एक्स बायटी इतना वर्क सी ने किया बी की बात करें तो बी कितने दिन के लाया पांच दिन के लाया

ये आपका x रहेगा प्लस 23 60 मतलब ये 15 हो गया प्लस 10 6, 60 मतलब ये 60 18 हो गया मतलब x की वैल्यू आपको क्या आएगी ये आपको हो गया 15 2 30 20, 23 की 23 उधर सबट्रैक्ट कीजिएगा 60 माइनस 23 x की वैल्यू आपको आएगी 27 क्या है ये 27 क्या है ये 27 टोटल नंबर ऑफ डेज है क्या यहां पे प्रश्न में टोटल नंबर ऑफ डेज पूछा गया है जो लोग ऑप्शन ए बता रहे थे क्या टोटल नंबर ऑफ डेज पूछा गया है नहीं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है द पूरा काम कितने दिन में हुआ है? ये नहीं पूछा गया है। जो लोग ऑप्शन ए आंसर बता रहे हैं, उनको मैं क्लियर कर दूं रिमेनिंग काम सी ने कितने में दिन में किया तो ये जो पूरा काम आपने 27 दिन लाया ना इसमें से ये वाला पांच दिन अलग कर दीजिए ये पांच दिन अलग कर दीजिए तो 27 में से पहला वाला फाइव डेज हटा दीजिए तो हम कह सकते हैं कि रिमेनिंग वर्क सी ने किया है बचे हुए काम को सी ने किया कितने दिन में ट्वेंटी टू डेज में यह हमारा आंसर है तो इसका आंसर होना चाहिए ट्वेंटी टू जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है इन्होंने ऑप्शन डी हमारा आंसर है रिजल्ट की बात करते हैं सिर्फ तेरह प्रतिशत लोगों ने डी आंसर चुना है लीडर बोर्ड की बात करते हैं सबसे टॉप पे है प्रांजलि वेरी गुड एक्सिलेंट सुपर मार्वलर जीनियस एक्स्ट्रॉर्डनरी सेकेंड पे है आकांक्षा थर्ड पे है डिजिटल है यहां पे क्या हो गया बॉयस मतलब ऐसा क्या हो गया दूसरों के आंसर्स को देख के अपना आंसर्स ना लिखें गेट एग्जाम में स्पेशली आपको यह ध्यान रखना है दुनिया चाहे जो बोले मैं जो सोच रहा हूं मैं जो सोच रही हूं यही सही है तभी आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट करें गेटिंग मी इज इट क्लियर क्या बात है फिर से बफरिंग हो रहा है रक्षित कह रहे हैं बफरिंग हो रहा है सर जस्ट अमेंट अब क्लियर है नो आई थिंक इट इज क्लियर सर ब्लर है ओ माय गॉड ना इज इट ओके ओके वंस इट इज ओके यू कैन जस्ट मेंशन दैट अब ठीक हुआ सर ओके 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 तो ऑडियो आ रहा है आपको आपके पास ना ऑडियो इज इट ऑडियो इज देर बिकी बोल रहे सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा सब कुछ धुंधला धुंधला सा हो गया है मेरी आंखों के सामने ऑडियो ओके है सर सिर्फ वीडियो की प्रॉब्लम हो रही है ओके 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 कोई बात नहीं कोई बात नहीं तो एक काम करते हैं अगर ऑडियो ओके okay है तो इसके बाद वाला जो पार्ट है इसके बाद वाला पार्ट है ये बोल रहे हैं कि सर मेरा नाम आया तो सारी चीज़ें ब्लर हो गई ओके okay, कोई बात नहीं इसके बाद वाला जो पार्ट है वो हम लोग देखते हैं इसके बाद क्या है इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो ये है कि इफ ट्वेल्व मैन और 15 वुमेन कैन डू अ वर्क इन 48 एट डेज अगर 12 मेन और 15 वुमेन और दिया है और मतलब या नहीं तो 12 मेन भी कर सकते हैं 48 कर सकते हैं एट डेज में okay? 8 मेन डेज 6 वुमेन कैन डू द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज तो उसी काम को आठ मेन और उनके साथ साथ वुमेन भी काम करें तो कितने दिन में वर्क कंप्लीट हो सकता है अब क्लियर है वी आर कंटिन्यूंग ओके तो चलिए तो आगे बढ़ते हैं मूविंग फॉर्दर यहां पे इसको सॉर्ट आउट करने के लिए आपका कुछ आंसर पोल स्टार्ट कर ले आई थिंक आप लोग वीडियो फॉरवर्ड कर लीजिए तो आप लोग को क्लियर दिखाई देगा फॉरवर्ड इट तो इसका आंसर क्या है पोल स्टार्ट कर देता हूं मैं पोल स्टार्ट करता हूं इसका आंसर के लिए कुछ भी नहीं यहां पे इंटीजर टाइप होगा सिक्सटी सेकेंड टाइम है आपका पोल शुरू होता है अब आप ट्राई करें इसको आंसर करने के लिए सर पराक्रम बैच में कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा कैन यू प्लीज टेल मी पराक्रम मतलब कौन सा पराक्रम बैच है आपका ए बी सी डी क्या है वीकेंड वीक डेज तुमित कह रहे सर पराक्रम बैच में आप पढ़ाओगे बिल्कुल पढ़ाऊंगा हर बैच में पढ़ाऊंगा क्यों रक्षित का आंसर आया फिर गौरव का आंसर आया वासुदेव का आंसर आया निकिता का आंसर आया प्रांजलि का आंसर आया गुड 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 Done. तो समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है देखते हैं इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है बहुत ही सिंपल है यहां पे 12 मेन और 15 वुमेन कैन डू इन 48 डेज मतलब 12 मेन भी कर सकते हैं 48 डेज में 15 वुमेन भी कर सकते हैं 48 डेज में तो अगर 12 मेन कर सकते हैं 48 डेज में तो क्या मैं कह सकता हूं 12 मेन का पर डे वर्क होगा 1 बाय फोर्टी तो अगर उसी तरह इन्होंने दिया 15 वुमेन कर सकते हैं 48 डेज में मतलब 15 वुमेन वुमेन को मैं डबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं 15 वुमेन का पर डे वर्क भी होगा 1 by 48, क्योंकि दोनों कर सकते, 12 भी कर सकते सकते हैं हैं भी भी तो तो 15 वुमेन दोनों का पर डे वर्क हमने की पर डे वर्क की बात करूं तो वन इधर तो तो आएगा तो फिफ्टीन इंटू फिफ्टीन डिविजन में जाएगा तो फिफ्टीन इंटू ओके अब टीम में क्या दिया है इनोंने? टीम में दिया है इन्होंने क्लियरली कि टीम में कितने लोग काम करेंगे अगर है, तो eight man कितना होगा? Eight by into 48. ये eight का पर वर्क. प्लस, क्योंकि अब and दिया, इनके साथ और भी कुछ लोग काम करेंगे एक तो इनका टुगेदर पर डे वर्क है एक बार हमें पर डे वर्क आ गया तो हम डेज बता सकते हैं तो चलिए इसको सॉर्ट आउट करते हैं अगर आप बुरा ना माने तो इसको कैंसिल कर लेते हैं एट वन झा एट सिक्स राइट right? और ये सिक्सा सिक्स हाउ मच इज फोर्टी एट सिक्स के टेबल में फोर्टी एट आता है क्या आपको क्या आएगा ये आपको डिनोमिनेटर में ट्वेल्व इंटू सिक्स हो गया आपको 1 by 72 plus ये आपको हो गया वन बाय वन टी तो एलसीएम अगर मैं गलत नहीं हूं तो थ्री सिक्सटी आएगा सेवेंटी टू में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री सिक्सटी आएगा फाइव ज्लस वन ट्वेंटी में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री सिक्सटी आएगा थ्री मतलब एट बाई थ्री सिक्सटी इनका पर डे वर्क है ये पर डे वर्क है तो डेज कितने लेंगे थ्री सिक्सटी बाई एट डेज जिसको हम फर्दर कैंसिल कर सकते हैं एट फोर जर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव थर्टी सिक्स फोर बचा रिमाइंडर तो फोर्टी एट फाइव फोर्टी मतलब फोर्टी फाइव डेज में तो नो डाउट आपका फोर्टी फाइव डेज बिल्कुल सही जवाब है तो यहां पे हम लिख देते हैं फोर्टी फाइव डेज ओके okay, तो ऑप्शन यहाँ पे फोर्टी फाइव डेज आ रहा है देखते कितने लोगों ने फोर्टी फाइव दे रखा है 4, 5, रिजल्ट की की बात बात करते करते हैं हैं लोगों ने 45 ही आंसर दिया है ओके लीडर बोर्ड तो सबसे टॉप पे है रक्षित वेरी गुड एक्सीलेंट सुपर मार्वलर जीनियस एक्सट्रॉडनरी सेकंड पे है गौरव थर्ड पे है वासुदेव फोर्थ पे प्रांजलि फिफ्थ पे प्रियांशी सिक्स पे बिकी और फर्दर ऋतिक टारगेट ए आई आर फॉर रियल शाहीन श्रीकांत काजल सुमित श्रीराम री गुड लेकिन 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 कल वाले वीडियो में मैंने एक कमेंट देखा तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स के जो भी क्वेरीज हैं उनको मैं सॉर्ट आउट करने के लिए देखते रहता हूँ तो मैंने एक कमेंट देखा कि सर ये सारे मेथड क्यों कुछ शॉर्टकट बता दीजिए कुछ ऐसे एकदम झटका देखे कुछ पुराने मेथड से क्यों शॉर्टकट बता दीजिए कुछ ऐसा हो क्योंकि ये सारे तो कोई भी कर लेगा कुछ ऐसा शॉर्टकट बता दीजिए और मैंने उस पर्सन को जब कॉल किया तो उन्होंने शॉर्टकट भी बताया वो शॉर्टकट सुनकर मैं हैरान रह गया माय डियर फ्रेंड शॉर्टकट जो है वो एक स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए वैसे चाहूं तो मैं इसके लिए भी शॉर्टकट बना दू इसके लिए मैं भी शॉर्टकट लिख दू किताबों में कि मेन इंटू ऐसे प्रश्नों में करना क्या है मेन इंटू वेमेन इंटू डेज बाय मेन इंटू वीमेन वन प्लस वेमेन इंटू मैन वन ये है इसका शॉर्टकट मैं भी बना दू वैसे तो शॉर्टकट मैं भी बना दू कि हाँ यही होता है ऐसे क्वेश्चन में ये होता है तो हर क्वेश्चन में ये होता है बोल देने से थोड़ी हो जाएगा क्योंकि हर क्वेश्चन के अलग अलग शॉर्टकट आप बनाते चले जाओगे तो चलिए ये शॉर्टकट क्या है ये भी मैं बता देता हूं आपको ये कुछ भी नहीं है ये जो हम लोगों ने किया ना बस मैं जब बना रहा था तभी मुझे ये शॉर्टकट आ गया जब मैं ये चीज बना रहा था ना उसी दौरान मुझे ये वाला शॉर्टकट आ गया कंडीशन है अगर आपका डेटा बिल्कुल वासुदेव ये कंडीशन है अगर आपका डेटा यहां और में दिया हो और प्रश्न जो है एंड में पूछ रहा हो तब ये शॉर्टकट है यहां से ही मैंने मैंने डिराइव डिराइव किया किया कोई अलग मैंने नहीं यहीं से आ गया मुझे अभी 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 का अभी का तुरंत आ गया आर यू गेटिंग मी कैसे सर यहां से ये यह कैसे आया हम डिनोमिनेटर में क्या कर रहे थे हम लोग एलसीएम निकालने के लिए मैंने देखा ऑब्जर्व किया है इंजीनियर्स क्या करते हैं एलसीएम निकालना है सबसे बढ़िया फोर सिक्स का एलसीएम कौन निकालता है सर फोर इंटू सिक्स लिखते हैं ना फोर सिक्स ट्वेंटी फोर एलसीएम को छोड़िए सर सीएम निकाल के सॉर्ट आउट कर लेते हैं मतलब कॉमन मल्टीपल तो वही चीज यहाँ मेन इंटू वीमेन इंटू डेज यही आपका एलसीएम बनेगा जो कि ऊपर चला जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या होगा मेन वुमेन वुमेन वन वन यही तो हो रहा है यहाँ पे सिंपल अब ये मेन वीमेन डेज क्या है सर यहाँ पे तो मैं आपको बता दूं मेन वीमेन डेज क्या है जो आपको और में दिया है मेन कितने? कितने? कितने ले रहे हैं फोर्टी एट ओके एलसीएम पे बन गया जो कि नीचे था ऊपर चला गया वो ओके okay, अब डिनोमिनेटर में क्या है मेन इंटू विमेन मेन मतलब मेन तो हमें लेना है कौन सा और वाला लेकिन वन जो है है वो लेना है हमें कौन सा एंड वाला मतलब ट्वेल्व सिक्स द सेवेंटी टू मैं ये इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप समझे कि ये कहां से आया ओके okay? प्लस अब विमेन इनटू मेन वन विमेन हमें कौन सा लेना है और वाला और मेन लेना है हमें कौन सा एंड वाला मतलब ओके okay? तो ये हमें कितना आएगा ये हमें फर्दर सॉर्ट आउट करोगे तो ट्वेल्व इंटू फिफ्टीन इंटू फोर्टी एट डिवाइडेड ना अगर मैं गलत नहीं हूं तो तो क्या ये कैंसिल होगा हाँ सर बिल्कुल कैंसिल होगा किससे कैंसिल होगा ये आई थिंक ये आपको डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है एट से हो जाएगा ना एट की डिविजिबिलिटी रूल तो याद है एट सिक्स फोर्टी एट एट के टेबल में एट टू जिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन थ्री थर्टी टू एन एट फोर थर्टी टू सिक्स वनजा ट्वेंटी फोर फोर वनजा फोर थ्री जॉ ट्वेल्व मतलब पंद्रह तिया हमारे पास कितना बचा पैंतालीस डेट सेट यही आंसर है इज इट क्लियर समझ में आया यस yes, वासुदेव लेकिन ये सारे ऐसे हम शॉर्टकट बना दें और सब बच्चों को बता दें कि बस इस क्वेश्चन के लिए ये शॉर्टकट इस क्वेश्चन के लिए ये शॉर्टकट वैसे तो मैंने देखा है कि इलेवन के टेबल के लिए भी लोगों ने शॉर्टकट बना रखा है कि इलेवन कि से किसी भी नंबर को इलेवन से मल्टीप्लाई करना है तो बहुत ही आसान मैं बताऊं क्या बना रखा है लोगों ने मतलब आप भी देख के शौक में आ जाओगे कि, कि किसी भी नंबर जैसे वन टू थ्री नाइन सेवन सिक्स फोर इसको इलेवन से अगर मल्टीप्लाई करना है तो आज मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं ऐसा इन्होंने बताया और फिर क्या बताया शॉर्टकट बहुत ही सिंपल है लास्ट वाले नंबर को आप वैसे ही लिख दो उसके बाद दो दो नंबर को जोड़ते चले जाओ जैसे सिक्स प्लस फोर टेन एक बचा तो एक यहां पे सात प्लस छह मिला के कितना हो रहा है तेरह और एक चौदह तो मतलब 4 हुआ ऐसे दो दो जोड़ते चले जाओ आप कर वही रहे हो मल्टीप्लाई ही कर रहे हो क्यों क्योंकि जब आप वन टू थ्री नाइन सेवन सिक्स फोर इसको जब आप इलेवन से मल्टीप्लाई करो मतलब आप क्या कर रहे हो पहले वन के टेबल में आप क्या करोगे वन टू थ्री नाइन सेवन इलेवन की टेबल नहीं वन की टेबल की बात करते हैं वन टू वन से आप पूरा मल्टीप्लाई करोगे मतलब वही नंबर बन जाएगा सिक्स फोर उसके बाद लास्ट वाला क्रॉस करके फिर वही नंबर लिखोगे वन टू थ्री नाइन सेवन सिक्स फोर और आप कर क्या रहे हो लास्ट नंबर को वैसे लिख रहे हो बाकी दो दो नंबर ऐड कर रहे हो दो दो डिजिट वही तो कर रहे हो तो ऐसे कुछ नया मैं बता रहा हूं ऐसा कुछ नहीं है ये सारी चीजें ऑलरेडी आप करते हो गेटिंग मे यू आर ऑलरेडी डूइंग दैट कुछ लोग इसको बोलेंगे नहीं सर टेन माइनस वन कर रहे हैं हम या टेन प्लस वन कर रहे हैं तो ये आप टेन में मल्टीप्लाई करके आगे जीरो करके फिर तो वही चीज कर रहे हो कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हो उसके लिए तो देखिए भटकने की जरूरत नहीं है कि हम जो हैं अपने मेथड को कुछ और बना के बता रहे हैं खाली सिर्फ लोगों का व्यूज मिल जाए उसके लिए वैसा कुछ नहीं है मैं चाहता हूं आप चीजों को समझे कॉन्सेप्ट को समझे डेट सेट आर यू गेटिंग मी यस वासुदेव बोल रहे हैं मैथ स्टिक है कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर ऐसा भी होता है क्या बिल्कुल होता है क्यों नहीं होता है चलिए आगे बढ़ते हैं अब इस क्वेश्चन को ये आपकी पीवाई है इसको आपको बताना है आंसर सेम जैसा अभी अभी आपने बनाया ना बिल्कुल वैसे ही है लेकिन ध्यान रहे शॉर्टकट का प्रयोग ना करें फिर से मैं बता रहा हूं मेन इंटू वुमेन इन डेज बाय मेन इन वुमेन ये सब बातों पे ना जाएं आप जैसे बनाते आ रहे हो बिल्कुल वैसे ही बनाइए डेफिनेटली आपको कंफर्म आंसर आएगा ओके okay, तो यह एक पीवाई है इसका आंसर आपको बताना है और इसके लिए मैं पोल स्टार्ट कर देता हूं आपका सिक्सटी सेकेंड के लिए इंटीजर टाइप पोल स्टार्ट होता है अब मैंने आपको समय भी दिया रक्षित कह रहे हैं सर गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन में शॉर्टकट बताते हैं हां मैंने तो यह भी देखा है कि लोग क्या करते हैं ए अगर ट्वेंटी डेज में कर रहा है बी थर्टी डेज में कर रहा है तो इसको डायरेक्टली बताते हैं कि ए अगर एक्स डेज में कर रहा है बी वाई डेज में कर रहा है तो टोटल नंबर ऑफ डेज क्या होगा एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स एक्स प्लस वाई कुछ ऐसे ही बताते हैं तो यहाँ पे एक्स वाई ऊपर कहाँ से गया वो ट्वेंटी और थर्टी मल्टीप्लाई जो डिनोमिनेटर में होता ऊपर चला गया और इधर जो है मल्टीप्लाई होके जो भी आपको न्यूमरेटर आना चाहिए वो डिनोमिनेटर में आ गया तो इन शॉर्टकट जो है उस पर ध्यान ना दे डायरेक्टली सॉर्ट आउट कर लें तो यहाँ पे आपने अच्छा कुछ लोग क्या कर रहे ईयर का तो होगा क्यों नहीं गूगल की घोषणा हो चुकी है तो आप लोगों ने कहा कि बहुत ही सिंपल है सर फाइव स्किल्ड वर्कर स्किल्ड को मैं लिख रहा हूं, फाइव स्किल्ड वर्कर का पर डे वर्क होगा ट्वेंटी क्योंकि वो लोग ट्वेंटी डेज में करते हैं अब स्किल्ड वर्कर एट सेमी स्किल्ड को लिख रहा हूं

फाइव बाई थ्री हंड्रेड ये उनका टुगेदर पर डे वर्क है इसको आउट करेंगे तो आ जाएगा हमें पर डे वर्क आएगा और उसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो डेज आ जाएगा तो बहुत ही सिंपल है 100, 200, 300 तो ये ट्वेल्ल प्लस टू हंड्रेड थ्री जा तो सिक्स एटीन प्लस थ्री हंड्रेड टू मतलब ये फाइव टू जेन तो ओवरऑल आपको होगा ये थर्टी और टेन फोर्टी फोर्टी बाय सिक्स हंड्रेड जिसको कैंसिल करके आप बोल सकते हैं सर ये वन बाय फिफ्टीन आ रहा है ओके One by इनका है, है, तो तो कितने लेंगे? Obviously ये 15 लेंगे। ये वाला टीम जो है, ये ये वाला जो लेगा। Is it clear? तो यहां आंसर होना चाहिए। I think सब ने इस बार भी आंसर दिया पंद्रह क्योंकि सब लोग प्रैक्टिस करके बैठे पीवाई क्यू तो डेफिनेटली इनको हंड्रेड परसेंट मुझे पता था मुझे पता था वासुदेव कह रहे हैं सर मोस्ट फेमस पीवाई क्यू है तो इसका आंसर तो होना ही होना है तो ये मत कहिएगा सर बाकी का आधा जो सपना था वो पूरा हो गया ऐसा नहीं कहिए तो लीडर बोर्ड की बात करें तो सबसे टॉप पे हैं अश्विनी सेकंड पे हैं प्रांजलि थर्ड पे हैं बिक्की फोर्थ पे है वासुदेव फिफ्थ पे सुमित सिक्स पे शुभदीप एंड सो ऑन आगे बहुत सारे बहुत सारे नहीं सब लोग हैं नो डाउट इसमें कोई शक ही नहीं है ओके okay, तो ये सारी चीजें आप लोग कर सकते हो मंथन कह रहे हैं फुल स्क्रीन नहीं अब फुल स्क्रीन नहीं अब बाकी का आधा सपना आप पूरा कर दीजिए डेफिनेटली मैं फुल स्क्रीन में आपकी पिक्चर लगाऊंगा ओके बाकी का जो आधा सपना मेरा है अब आगे बढ़ते हैं एफिशिएंसी की बात करते हैं एफिशिएंसी की बात अगर करें जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं ए किसी काम को दस दिन में करता है और बी उसी काम को बीस दिन में करता है समझिएगा मैं क्या बात कर रहा हूं ए किसी काम को दस दिन में कर रहा है बी उसी काम को बीस दिन में कर रहा है और दोनों मिलकर एक काम का कॉन्ट्रैक्ट उठाते हैं कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों को पता ही होगा कॉन्ट्रैक्ट पे देते हैं हम लोग जैसे हम लोग क्या करते हैं पर डे का वेजेस देने से वेजेस भी आपको पता ही है वेजेस क्या होता है पर डे लेबर को जो देते हैं ना वो वेजेस कहलाता है पर डे भी होता है पर आवर भी होता है पर वीक भी होता है लेकिन सैलरी क्या होता है वो पर मंथ होता है नहीं तो पर एनम होता है right? तो yes, तो यस यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि ये लोग एक कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं हम लोग क्या करते हैं वेजेस नहीं दे के कॉन्ट्रैक्ट पे देते हैं देखो ये काम तुमको करना है कि, कितने दिन में करोगे उससे मतलब नहीं काम खत्म करने के इतने पैसे मिलेंगे सिर्फ हम लोग वर्क को जो है कॉन्ट्रैक्ट पे देते हैं तो मान लेते हैं कि किसी काम को इन दोनों ने ए और बी ने टुगेदर मिलके किया और वो कॉन्ट्रैक्ट था बारह हजार रुपए का तो क्या आपको पता है कि दोनों मिलकर काम करेंगे तो अभी तक आपने सॉर्ट सौर, आउट जो किया है ट्वेंटी मतलब आएगा एल्सियम टू प्लस पर डे वर्क है तो डेज कितने लगेंगे ट्वेंटी बाई थ्री डेज मतलब 6 .6 बार जैसे ही सिक्स पॉइंट सिक्स बार डेज होगा काम खत्म होगा ओनर क्या करेगा बारह हजार रुपए ट्वेल्व थाउजेंड दे देगा अब ये ट्वेल्व थाउजेंड रुपीज ये लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्या ये छह हजार छह हजार ले जाएंगे दोनों मैं आपको बता दूं नहीं अगर ये लोग 6000-6000 दोनों इक्वली बांटेंगे तो एक कभी भी बी जैसे लोगों के साथ नहीं जाएगा कभी भी बी जैसे लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं उठाएगा क्योंकि तो उसे पता है कि जिस काम को मैं दस दिन में करता हूं बी उसे बीस दिन लगाता है मतलब मेरी ताकत ज्यादा है इसका मतलब मुझे ज्यादा पैसे मिलने चाहिए समझ में आ रहा है यस yes, नो no, कुछ तो बोलिए अच्छा आधे लोग सो गए पंद्रह लिख के पंद्रह लिखे आंसर आया हा हा अब सो गए कम अप समझ में आ रहा है हाँ तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है ये डिस्ट्रीब्यूट होता है बेस्ड ऑन देयर एफिशिएंसी उनकी एफिशिएंसी के बेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है अब ये एफिशिएंसी क्या है ये जो आप ए का पर डे वर्क लिखते थे ना वन बाय टेन

टोटल थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा तीन भाग में और ए जो है वो दो भाग ले जाएगा और बी जो है एक भाग ले जाएगा मतलब ए ले जाएगा आठ हजार रुपए बी ले जाएगा सिर्फ चार हजार रुपए हमेशा याद रखें कि कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट जो है वो उनके एफिशिएंसी की रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट होता है न कि डेज की, की रेशियो पे समझ में आ रहा है मुदित ए ले जाएगा आठ और बी ले जाएगा चार मुदित आपने ए को चार दिया है कह रहे हैं सर आपको देखने के लिए चैट को ऑफ करना पड़ जाता है क्यों चैट को क्यों ऑफ कर रहे हो चैट तो बगल में चलती है मैं तो बीच में रहता हूं एक कॉर्नर मुझे दीजिए एक कॉर्नर चैट को दीजिए अच्छा मोबाइल में वेरी गुड वेरी गुड मैं समझ गया समझ गया यस yes, दीपक आठ हजार और चार हजार अब एक और बात पे ध्यान दीजिए यहां पे अगर मैं एस टू बी एस टू बी अगर इनके डेज की रेशियो की बात करता डेज की रेशियो की बात करता तो डेज की रेशियो क्या है टेन इज ट्वेंटी है जिसको आप फर्दर कैंसिल करोगे तो वन इस टू टू है अगर इनकी डेज की रेशियो वन इस टू टू है तो एफिशियंसी की रेशियो क्या होगी टू इस टू वन होगी मतलब ये सब बिना किए भी आप कह सकते हैं डायरेक्टली कहने का मतलब अगर एस टू बी उनके डेज की रेशियो फाइव इस टू थ्री है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं उनकी एफिशियंसी रेशियो क्या होगी अगर डेज की रेशियो फाइव इस टू थ्री है तो एफिशियंसी की रेशियो क्या होगी ये मुझे बताइए थ्री टू फाइव मंथन का कहना है सर थ्री टू फाइव होगा बिल्कुल सही डायरेक्टली आप बोल सकते हैं बिकी रिपीट करना है कौन सा पार्ट मिस करके बिकी मैंने ये बताया कि कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट जो है हमेशा एफिशिएंसी के रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट होगा ना कि डेज के रेशियो पर ओके okay. जैसे इनकी डेज की रेशियो अगर टेन इ्वेंटी आ रही है मतलब वन इस टू टू आ रहा है तो एफिशिएंसी एफिशियंसी आप डायरेक्टली बोल सकते हैं टू इस टू वन होगा क्योंकि ये सब करने के आप डायरेक्टली भी बोल सकते हैं क्लियर है यस yes, दीपक वासुदेव मुदित विश्वदीप सप्तक काजल अंशुल सिमर श्रीराम नैन्सी गोपीनाथ स्टडी हब टेक्निकल स्टैक सब ने सही बताया नीतेश बिल्कुल सही बिल्कुल सही एक और बात एक और बात ध्यान से सुनिएगा अगर मैं कहता हूं कि एस टू बी आप वीडियो को फॉरवर्ड कर लें क्योंकि आपका आंसर मुझे डिले मिल रहा है एस टू बी अगर डेज का रेशियो है आप सीधा बोल सकते इनकी एफिशियंसी रेशियो होगी नाइन टू वन यानी तो ये वाइस वर्सा भी पॉसिबल है अगर इनकी डेज की रेशियो है नाइन इज टू वन तो एफिशियं की रेशियो होगी वन yes, इज नाइन यस मंथन क्लियर है yes, अब एक और फाइनल मैं पूछ लू आप लोगों से क्योंकि एक बार आपने रेशियो निकाल लिया तो आपको वो मिक्सचर वाले से आप डायरेक्टली यहां पे सॉर्ट आउट भी कर लोगे कि ए को कितना मिलेगा बी को को कितना मिलेगा, को कितना मिलेगा मिलेगा सी अगर ए बी सी तीनों जैसे अगर मैं C, इनके डेज की रेशियो है three, तो इनकी एफिशियंसी रेशियो क्या होगी जल्दी से बता दीजिए मुझे अगर एस टू बीस टू सी इनके डेज की रेशियो है तो इनकी एफिशियंसी की रेशियो क्या होगी जल्दी से बताइए एफिशिएंसी की रेशियो क्या होनी चाहिए वेटिंग फॉर योर आंसर डेज की रेशियो हमने बता दिया तो एफिशिएंसी की रेशियो बताइए ए बी सी की एफिशिएंसी रेशियो होगी ऑडियो का कहना है मंथन का कहना है अंशुल का कहना है सुबहदीप का कहना है थ्री इज टू 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 वन अग्रवाल जी का भी कहना है श्री राम का भी कहना है थ्री स्टू टू इस टू वन बिल्कुल गलत जवाब है देखिए हमेशा हर बीमारी का एक ही इलाज नहीं है ध्यान रखें हर बीमारी का एक ही इलाज नहीं है मैंने देखा है आप लोगों को कि कोई किसी को भी बुखार लगा तो आप पैरासिटामोल खिला देते हो कालपोल खिला देते हो हर बीमारी का एक ही इलाज नहीं है जैसी बीमारी वैसा इलाज तो ध्यान रखें ये जो आप अभी तक कर रहे कर रहे थे फ्लो में वैसा आगे नहीं करें क्यों ये गलत हो रहा है इस बात को समझिए कि अगर मैं आपको दो वेरिएबल देता हूं वन बाय एक्स और वन बाय वाई यहां पे जब आप लेते हो एलसीएम ए और बी दो लोग की बात करते हैं तो यहां पे जब आप एलसीएम लेते हो पर एक्स वाई को एलसीएम ले लेते हो एक्स ले के ऊपर क्या लिखते हो वाई लिख देते हो वाई के ऊपर क्या लिखते हो एक्स लिखते हो और जो एक्स वाई एल्सियम लिए वो कैंसिल हो गया मतलब अगर उनकी डेज की रेशियो वन एक्स एस टू वाई थी तो एफिशियंसी की रेशियो वाईस टू एक्स आपने डायरेक्टली कर दिया लेकिन 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 जब तीन लोगों की बात हो रही है तो यहां पे आपका पर डे वर्क कैसे आएगा वन बाय एक्स दूसरा वन बाय वाई और तीसरा वन बाय जेड अब एलसीएम क्या बनेगा अब एलसीएम बनेगा सर एक्स वाई जेड एक्स के ऊपर क्या लिखोगे खाली वाई जेड नहीं एक्स के ऊपर आप लिखोगे वाई और जेड दोनों का मल्टीप्लीकेशन वाई के ऊपर आप लिखोगे एक्स और जेड दोनों का मल्टीप्लीकेशन और जेड के ऊपर लिखोगे आप एक्स और वाई दोनों का मल्टीप्लीकेशन यही कॉन्सेप्ट को आपको यहां पर यूज करना है जब दो ए दो से ज्यादा लोग हों तो तो यहां पे एफिशिएंसी रेशियो जो एफिशियंसी रेशन बताया ये गलत है इसमें हम क्या करेंगे वन की जगह में ध्यान से सुनिएगा बहुत सारे लोगों ने अब आंसर दे दिया है पहले भी दिया था कुछ लोगों ने वन की जगह में इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए थ्री टूजा सिक्स इस टू टू की जगह में बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए थ्री वनजा थ्री इज थ्री की जगह में बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए टू वनजा टू मतलब अगर उनकी डेज की रेशियो वन टू इस टू थ्री है तो उनकी एफिशिएंसी की एफिशियं टू होगी और कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट हमेशा दो है तो सीधा रिवर्स लिख सकते लेकिन दो से ज्यादा है तो आपको ऐसे करना होगा तो इस चीजों पर कंफ्यूज मत हो फ्लो में ना कीजिए ओके अच्छा कोई बात नहीं कोई बात नहीं अब तो क्लियर है ना सबको तो अगला प्रश्न मैं जो आपको देने वाला हूं अगले प्रश्न को आप लोग सॉर्ट आउट करेंगे यस बिपिन बिपिन कह रहे हैं सर सबसे लास्ट मैंने आंसर दिया और आपने मेरा नाम लिया बाकी लोग भी तो पहले ही आंसर दिए थे मुदित कह रहे हैं क्लियर ओके चलिए आगे बढ़ते हैं तो ये प्रश्न आपको सॉर्ट आउट करना है ए कैन डू अ वर्क इन सिक्सटी डेज वेर एज बी इन ट्वेंटी डेज इफ दे टूगेदर टुक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्वेंटी फोर थाउजेंड रुपीज वासुदेव पूछ रहे हैं मल्टीप्लाई किया जिस जगह को ले रहे हैं उसको छोड़ के वो नंबर को छोड़ के बाकी दोनों का मल्टीप्लीकेशन दूसरा वाला में दूसरा को छोड़ के पहला और तीसरा का मल्टीप्लीकेशन लास्ट वाला में तीसरा को छोड़ के पहला और दूसरा का मल्टीप्लीकेशन बस उतना ही था वासुदेव कुछ भी नहीं है रेशियो बनाना है तो हीरो पूछ रहे हैं सर कैसे इंप्रूवमेंट लाए एप्टीट्यूड में बस प्रैक्टिस करके कॉन्सेप्ट समझते जाए प्रैक्टिस करते जाए देर इज नो अदर वे एक्सेप्ट प्रैक्टिस ओके तो चलिए इसका हमें बात करना है शेयर ऑफ ए और इसके लिए मैं पोल ही स्टार्ट कर देता हूं 60 सेकेंड का इंटीजर टाइप पोल स्टार्ट होता है आप यहां पे बताइए कि ए का शेयर कितना होगा ए का ए का ए का हिसाब करना है आप लोग को ए को कितना दिया जाए आपको निष्कर्ष निकालना है ए के लिए जब ए और बी के बीच में चौबीस हजार का बंटवारा होगा तो ए को क्या मिलेगा मतलब कितना मिलेगा क्या मिलेगा मतलब पैसे ही मिलेंगे लेकिन कितना मिलेगा तो समय आई थिंक कुछ ज्यादा ही मैंने दे दिया आप लोग समय से ज्यादा आगे निकल गए लगभग सब लोगों ने आंसर दिया भले ही आंसर सही हो गलत हो बात की बात है लगभग सब लोगों ने आंसर दे ही दिया है तो नहीं नियो फिर भी देखते हैं समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है ए साठ दिन में कर रहा है और बी बीस दिन में तो क्या मैं एस टू बी इनके डेज की रेशियो बोल सकता हूं सिक्स टू टू यानी तो इसको कैंसिल करके आप ये भी बोल सकते हो

वन पार्ट मिलना चाहिए ये वाला पार्ट भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये वाले में भी बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं ए को वन पार्ट मिलना चाहिए पूरे फोर पार्ट्स में से वन प्लस थ्री कितना है फोर चार भाग में से एक भाग ए को मिलेगा चार भाग में से तीन भाग जो है वो बी को मिलेगा सर ये चार कहां से आया एक और तीन मिला के टोटल चार भाग है उसमें से तीन भाग बी को ए को एक भाग ओके okay, तो ए को कितना मिलना चाहिए वन फोर्थ ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट दैट इज ट्वेंटी बहुत ही सिंपल है तो अगर मैं गलत नहीं हूँ इसे कैंसिल कर लेते हैं फोर वनजा फोर सिक्स ट्वेंटी फोर मतलब छ हजार रुपया मिलेगा एक को ओके तो एक को छ हजार रुपया मिलेगा एक को छ हजार दे देते हैं यहाँ पे छ हजार दिया जाता है एक एक अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं रिजल्ट की बात करते हैं सेवेंटी सिक्स परसेंट लोगों ने सही आंसर दिया है बिल्कुल सही लीडर बोर्ड की बात करें तो सबसे टॉप पे है श्रीकांत क्या बात है श्रीकांत अभी तक आप सोच रहे थे कि मेरी नाम मेरा नाम जो है पहले छे में नहीं आ रहा है नीचे तो आ रहा है सर पहले छह में नहीं आ रहा है तो वेरी गुड एक्सिलेंट सुप मार्वलर जीनियस एक्सट्रॉर्डनरी श्रीकांत यू आर ऑन द फर्स्ट सेकंड पे है अगरवाल जी कुछ लगभग ऐसे ही अगरवाल जी ने भी सोचा था थर्ड पे है आकांक्षा वेरी गुड आकांक्षा फोर्थ पे है प्रिंस सुपब फिफ्थ पे है शुभदीप और सिक्स पे है शुभम और उसके आगे भी बहुत सारे लोग हैं मैं ये नहीं कह रहा हूँ रक्षित सूरज अंकिता सिमर ऑडियो अंशुल सोमनाथ नंद कौतुक सौविक आशुतोष काजल बहुत सारे लोग सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन वेरी गुड सुपब तो इस तरह के क्वेश्चन को भी आप डील कर सकते हैं तो क्या हम अगले तरह के पैटर्न देखें श्रीकांत कह रहे हैं हां सर मैं बहुत खुश हूं जो आप पार्टी देने वाले थे वो पार्टी अब मैं दूंगा ओके श्रीकांत कोई बात नहीं चलिए आगे बढ़े तो अब अगले इस तरह के पैटर्न में मेन इंपॉर्टेंट क्या है उनकी एफिशिएंसी की रेशियो निकालना वो कैसे निकालना वासुदेव आपको क्लियर हुआ मंथन यस क्लियर है वासुदेव कैसे निकालते हैं एफिशिएंसी की रेशियो ये क्लियर है आदित्य बोल रहे हैं सर आज मैं लेट हो गया हूं कोई बात नहीं अभी भी देर आए तो क्या हुआ तो दुरुस्त आए बस इतना ही काफी है अब जो क्वेश्चन आएंगे उनका सही सही जवाब देना आदित्य विपिन यस क्लियर तीन रेशियो एबीसी वाले क्वेश्चन अभी तो स्लाइड पे नहीं है लेकिन मैं आ, आगे फ्यूचर में आपको दूंगा डेफिनेटली क्योंकि आपकी मांग है तो दी जाएगी वासुदेव का कहना है, क्लियर है बस तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इफ नाइन मंकीज इट नाइन बनाना मिनट्स देन हाउ सिक्स बनानाज़ इन थर्टी अगर नौ मंकी नौ बनाना को नौ मिनट में खाते हैं तो कितने मंकी छत्तीस बनाना को छत्तीस मिनट में खा जाएंगे इसका जवाब पोल में तीस सेकेंड में ही सिर्फ इंटीजर टाइप शुरू होता है पोल आपका शुरू तो हो जाओ हाँ शुरू हो गया पोल बोल रहे हैं, मैं तो अभी आया मुझे तो पता नहीं सर ये मंकी कब आए कितना खाए कितना समय लगा ये मुझे सारे क्वेश्चन पता ही नहीं है नौ मंकी नौ बना अच्छा समय समाप्त हो गया जब तक मैं क्वेश्चन बोलूं समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है तो मैं बता दूं कि यहां पे 36 बनाना 36 मिनट में नौ मंकी खाएंगे आंसर नौ ही होगा रिजल्ट की बात कर लेते हैं 89 परसेंट लोगों ने नाइन आंसर दिया है लीडर बोर्ड की बात करें तो सबसे टॉप पे है मंथन वेरी गुड एक्सिलेंट सुपर मार्वल जीनियस एक्सट्रॉर्डनरी सेकेंड पे है प्रांजलि फिर थर्ड पे है पांडे जी फोर्थ पे है शुभम सॉरी शुभदीप फिफ्थ पे है अश्विनी सिक्स पे है श्रीराम एंड सो ऑन फिर फर रियल है बिक्की कौतो काशुतोष मुकेश काजल श्रीकांत आप हैं लेकिन और नीचे हैं ओके नो no वरीज तो चलिए समझते हैं कि कैसे सर इस तरह के प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करें तो इस तरह के प्रश्नों को जब मैं कह रहा हूं नौ मंकी नौ बनाना नौ मिनट में खा रहे इसकी मीनिंग को समझिए इसके मीनिंग को समझिए कि एक मंकी एक बनाना को नौ मिनट में खा रहा है तभी नौ मंकी है सबके हाथ में एक एक बनाना है मतलब ये नौ बनाना खा रहे हैं नौ मिनट में वेन आई एम सी नाइन मंकीज इट नाइन बनाना थर्टी सिक्स बनाना थर्टी नाइन मिनट्स ऐसा नहीं करना है वन वन मंकी बनाना इन नाइन मिनट्स ओके आर यू गेटिंग मी तो ये ऑब्वियसली नाइन पे ही रुकेगा देखते हैं समझते हैं कैसे सर इस चीजों को हम सॉल्व कैसे करें तो इसके लिए बेस्ट मेथड है चेन रूल अब ये चेन रूल क्या है बिल्कुल वासुदेव कह रहे हैं हाँ सर चेन रूल अब ये चेन रूल क्या है इसको समझते हैं मान लीजिए बहुत आसान सा सवाल है कि किसी नंबर का फोर्टी टू परसेंट अगर 98 है, तो उसी नंबर का सिक्सटी फोर परसेंट कितना होगा बहुत ही आसान सा सवाल मान लेते हैं हाँ विजय उसका नाइन ही आंसर है हेलो सर हाउ आर यू इसका नाइन आंसर है हाँ बिल्कुल बिल्कुल विजय Nine, मैंने तो दाल भी दिया था पोल में विजय आप भी लेट हो गए क्या nine ही तो आंसर है हो, एनी हो। हम समझेंगे नाइन कैसे आया ये सारी चीजें को हम समझेंगे पहले मैं बता रहा था इसको आप चेन रूल से सॉर्ट आउट कर सकते हैं कैसे समझिए किसी नंबर का 42 परसेंट अगर 98 है तो उसी नंबर का 64 परसेंट क्या होगा अगर ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आते हैं तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं हम कहते हैं मान लेते हैं लेट द नंबर बी इक्वल टू एक्स मान के चलते हैं कि वो नंबर जो है वो है एक्स और हम लोग लिखते हैं कि फोर्टी टू परसेंट ऑफ एक्स मतलब 42 100 X लेकिन एक्स तो पूछा नहीं इन्होंने. इन्होंने पूछा क्या है नंबर का सिक्सटी फोर परसेंट फिर हम लोग क्या करते हैं दोनों तरफ इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और कहते हैं नंबर मतलब ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिक्स परसेंट मतलब 64 98, ऐसे करके हम लोग आउट कर लेते हैं राइट राइट right? right? ऐसे ही करते हैं ना यस नो नो डाउट ये प्रोसेस करेक्ट है बंधन कह रहे हैं हाँ सर बिल्कुल ऐसे ही करते हैं लेकिन नो no डाउट ये प्रोसेस तो बिल्कुल सही है जो आप कर रहे हो ये बिल्कुल सही है लेकिन यह सक्षम लेकिन ये चेन रूल कहता है कि इतनी सारी चीजें करने की जरूरत नहीं हमें सबसे पहले तो हमें यहां पे नंबर क्यों पता करें जब इन्होंने नंबर पूछा ही नहीं जब नंबर को पूछा ही नहीं गया तो हम नंबर क्यों पता करें नंबर पता करने में अपना टाइम वेस्ट क्यों करें हम क्यों नहीं सीधा क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर ले डायरेक्टली चेन रूल से तो चेन रूल कहता क्या है इस बात को समझते हैं चेन रूल का कहना है कि यहां पे दो कॉलम आपको दिए गए एक तो परसेंटेज वाला कॉलम है दूसरा नंबर वाला कॉलम है अब किस कॉलम में वैल्यू मिसिंग है सबसे पहले आपको ढूंढना है कि कौन से कॉलम में वैल्यू मिसिंग है तो आप कहोगे सर नंबर वाले कॉलम में वैल्यू मिसिंग है तो जिस कॉलम में वैल्यू मिसिंग है उस कॉलम में जो भी वैल्यू दिया है वो आप पहले लिखिए तो यहां पे वैल्यू क्या दे रखा है इस कॉलम में वैल्यू मिसिंग था ना तो इसमें क्या वैल्यू दिया नाइनटी एट नाइंटी एट को पहले लिखिए कीप अ अल्टीप्लीकेशन साइन एंड स्टार्ट थिंकिंग वॉट यू हैव टू थिंक हाउ टू गेट द आंसर नहीं नहीं वॉट यू हैव टू थिंक किसी नंबर का अगर फोर्टी टू परसेंट नाइन एट है तो उसी नंबर का सिक्सटी फोरटी एट से मोर होगा या लेस होगा यह चीज पहले मुझे क्लियर बताइए सिर्फ को छोड़िए किसी नंबर का कोई भी एक नंबर 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 है है उस का 42 98 है. उसी का उसी जब हम सिक्सटी फोर परसेंट ढूंढेंगे तो क्या नाइनटी एट से ज्यादा नंबर आएगा या कम आएगा मोर या लेस यह मुझे पहले क्लियरली बताइए तो मंथन का कहना है नहीं सर ज्यादा आएगा बाकी लोग आपका क्या कहना है शुभम तो कह भी कह रहे नहीं सर ज्यादा ही आएगा ऋतिक भी कह रहे नहीं सर ज्यादा आएगा तो आपको आंसर चाहिए 98 से ज्यादा मोर चाहिए मुदित का भी वही कहना है शाइन का भी वही कहना है सिमर का भी वही कहना है सब तक भी वही कह रहे हैं बिकी नितेश बिपिन ऑडियो वासुदेव दीपक कम आएगा श्री का कहना है मोर कौतुक का कहना है मोर दीपक बहुत ही सिंपल है दीपक हम दोनों मिलकर एक एग्जाम लिख रहे हैं बहुत ही आसान से एग्जाम्पल ले रहा हूं उदाहरण ले रहा हूं समझिएगा दीपक दीपक हम दोनों मिलकर एग्जाम लिख रहे हैं आपको मार्क्स आया फोर्टी टू परसेंट मुझे मार्क्स आया कितना 64%. हम लोग बात कर रहे हैं, न, में बात हैं आपका मार्क्स फोर्टी टू परसेंट मेरा मार्क्स सिक्सटी फोर परसेंट आपका नंबर देख रहे हो तो नाइनटी एट आ रहा है तो मेरा नंबर क्या नाइनटी एट से कम आएगा मेरा सिक्सटी फोर परसेंट आपसे ज्यादा परसेंटेज आ रहा है तो ऑब्वियस से ज्यादा मार्क्स आएगा मुझे तो मोर मोर परसेंटेज मतलब मोर मार्क्स अगर आपको मोर आंसर चाहिए तो आप एक काम कीजिए मोर बाय लेस लिखिए सिक्सटी फोर बाय फोर्टी टू आप डायरेक्टली आंसर पे पहुंच जाइएगा अगर आपको मोर आंसर चाहिए गिवन वैल्यू से तो मोर बाय लेस लिखिए अगर आपको लेस आंसर चाहिए तो लेस बाय मोर लिखिए बट लेट मी टेल यू चेन रूल इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर योर थिंकिंग रॉन्ग थिंकिंग रॉन्ग आंसर तो मोर बाय लेस या लेस बाय मोर लिखने के पहले दो बार सोच लीजिएगा क्योंकि क्यों ऐसा हो रहा है क्योंकि किसी भी नंबर को जैसे मान लीजिए एक नंबर हमने लिया वन इस नंबर को हमें बड़ा करना है इंक्रीज करना है बड़ा बनाना है तो क्या हम इसमें मोर बाय लेस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बड़ा होगा बिल्कुल होगा सर ये ऑटोमेटिकली ये वन इंक्रीज हो जाएगा वही अगर उसी नंबर को हम लेस बाय मोर से मल्टीप्लाई करते तब क्या होता ये नंबर डिक्रीज हो जाता कम हो जाता तो ये टोटली डिपेंड करता है आप अपना आंसर कैसे बनाना चाहते हैं अगर मोर करना चाहते हैं इफ यू फील दैट आंसर शुड बी मोर यू हैव टू राइट मोर बाय लेस इफ यू फील दैट आंसर शुड बी लेस यू हैव टू राइट लेस बाय मोर वंस अगेन लेट मी टेल यू चेन रूल इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर योर फीलिंग्स रॉन्ग फीलिंग रॉन्ग आंसर सो बिफोर राइटिंग मोर बाय लेस और लेस बाय मोर थिंक वाइस इट क्लियर हा बिल्कुल बिल्कुल मंथन वो वाले क्वेश्चन में जो मिल्कमैन वाला क्वेश्चन था वहां पे भी हमने चेन रूल से डायरेक्टली बनाया था वहां पे क्वेश्चन क्या था कि जब भी डिमांड होगा थाउजेंड एमएल तो डिलीवर कितना कर रहा था डिलीवर हो रहा था एट हंड्रेड एम फिर हमने देखा था कि वहां 1200 हंड्रेड एम एल मिक्सर रेडी था डिलीवर करने के लिए तो डिमांड कितना होना चाहिए तो इस कॉलम में वैल्यू मिसिंग था तो अब क्योंकि पहले से ज्यादा डिलीवर करना है तो पहले से डिमांड भी ज्यादा होना चाहिए तो मोर ही आंसर चाहिए आपको मोर चाहिए तो मोर बाय ट्वेल्व हंड्रेड बाई एट हंड्रेड चार सौ के टेबल में कैंसिल करते हैं चार सौ दुनी चार सौ तीन फिर टू के टेबल में टू वन जा टू फाइव हंड्रेड जा तो फाइव हंड्रेड इंटू थ्री मतलब कितना हो रहा है फिफ्टीन हंड्रेड इसका मतलब जब डिमांड फिफ्टीन हंड्रेड है तब वो डिलीवर करेगा ट्वेल्व हंड्रेड इज क्लियर आंसर हाँ, तो जो भी आए राय मैं आंसर की बात नहीं कर रहा हूं जो भी आपको आंसर कुछ भी आ सकता है लेकिन आंसर की बात नहीं कर रहा हूं मैं आपको यह बता रहा हूं कि चेन रूल जो है वो आपको बहुत सारी जगहों पे यूजफुल होगा आगे बहुत सारे कहां कहां यूज होगा हम लोग प्रश्न भी देखेंगे लेकिन उसके पहले हम लोग वापस चलते हैं ये मंकी वाले क्वेश्चन में वापस से आते हैं क्योंकि ये सिमिलर क्वेश्चन आपको ऑलरेडी गेट में एक बार आ चुका है कि कुछ दिनों दिया था इन्होंने नाइन नहीं कोई और नंबर दिया था कैन प्रिपेयर आइडेंटिकल टॉयज नाइन मशीन और टेन मशीन इन मिनट्स ऐसे कुछ दिया हुआ था तो ये बिल्कुल वैसे ही है तो इस तरह के क्वेश्चन को आप डायरेक्टली चेन रूल से सॉल्व कर सकते हैं और भी किस तरह के कर सकते हैं मैं आगे दूंगा आपको सबसे पहले इसको समझिए कि यहाँ पे कॉलम क्या दिया है मंकीज दिया है फर्दर कॉलम क्या दिया बनानास दिया है और क्या कॉलम दिया है टाइम दिया है सर मिनट्स में अब सबसे पहले इन्होंने क्लियर कर दिया कि नौ मंकी नौ बनाना को नौ मिनट में खा रहे ये चीज इन्होंने दे दिया Further, इन्होंने क्या पूछा मेनी मंकीज मतलब यहां पे वैल्यू मिसिंग है विल ईट इन यही है अब किस कॉलम में वैल्यू मिसिंग है आप बोलोगे सर मंकी के कॉलम में तो उस कॉलम में जो भी वैल्यू दिया है वो हम पहले लिखेंगे नाइन हमने पहले लिखा मल्टीप्लीकेशन साइन अब इस कॉलम को दूसरे कॉलम से वन बाय वन कंपेयर करके देखेंगे कि हमारा नाइन जो है वो उसे बड़ा आंसर आएगा या छोटा आएगा वन बाय वन कंपेयर करना सब एक साथ मिला के मत कीजिएगा नॉट ऑल एट ए टाइम वन बाय वन यू हैव टू कंपेयर 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 फर्स्ट फर्स्ट यू विद 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 बनाना देन देन मिनट्स मिनट्स यानी तो क्योंकि बीच में आप मल्टीप्लीकेशन यूज कर रहे हो आप टू इंटू थ्री लिखिए या थ्री इंटू टू लिखिए आपको सेम आंसर आएगा आर यू गेटिंग मी हरिगेटिंग वेरी गुड इवनिंग ओके तो चलिए समझते हैं यहां पर

नौ बनाना खा इसको भूल जाइए मिनट्स को भूल जाइए नौ बनाना खाने के लिए नौ मंकी की आवश्यकता है छत्तीस बनाना खाने के लिए नौ से ज्यादा मंकीज की आवश्यकता है या कम मंकीज की सर काश या मंकीस की जगह हम लोग होते तो हम तो छत्तीस अकेले खा जाते नौ की जरूरत भी नहीं थी ऐसा मत सोचिए तो यहां मंथन कह रहे हैं कि हाँ सर ज्यादा की जरूरत होगी बिल्कुल मोर 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 सबका आंसर मोर है कोई बात नहीं सब मोर कह रहे हैं तो हम इसको मोर बायलेस लिखते हैं इसमें मोर वैल्यू कौन सा है थर्टी सिक्स है लेस वैल्यू कौन सा नाइन है? है तो थर्टी सिक्स बाई नाइन मल्टीप्लीकेशन बनाना से कंपैरिजन हो गया अब बात करते हैं मंकी का टाइम से कंपैरिजन समय से कंपेयर करते हैं समय से कंपेयर कीजिए कोई काम है किसी काम को नौ मंकी को करना है तो वो नौ मंकी किसी काम को नौ मिनट में कर सकते हैं उसी काम को अगर छत्तीस मिनट में कंप्लीट करना है तो हमें ज्यादा लोग चाहिए या कम लोग चाहिए का कहना है सर इंडिया हार गई कहा हार गई इंडिया इंडिया कभी हारती नहीं है ऐसा क्यों सोचते हो इंडिया कभी नहीं हारती है लेस मंथन का कहना है सर अब आंसर लेस आएगा नाइन मिनट्स ध्यान से समझिएगा नाइन मिनट्स में किसी वर्क को करना है तो नाइन मंकीज की जरूरत है उसी वर्क को थर्टी सिक्स मिनट्स में करना है तो हमें मोर की जरूरत है या लेस की मोर मंकीज की या लेस मंकीज सबका कहना है लेस कोई बात नहीं लेस कहना है तो लेस बाय मोर तो लेस वैल्यू यहां पे क्या है नाइन है मोर वैल्यू क्या 36 है बस इसके बाद कैंसिलेशन ही बचा 36 36 कैंसिल हो गया 99 कैंसिल हो गया मतलब नौ मंकी ही 36 बनाना को 36 मिनट में खाएंगे दैट्स इट सर आप मेडिकल फील्ड में काम करते हैं क्या नहीं नहीं मैं मेडिकल फील्ड में नहीं काम करता हूं देखिए इंडिया में सब लोग डॉक्टर हैं सब लोग डॉक्टर हैं यहाँ पे किसी को भी आप बताइए कि हमें ये दिक्कत है वो आपको कोई ना कोई इलाज बता ही देंगे क्योंकि यहाँ पे सब लोग डॉक्टर हैं सिर्फ मैं ही मेडिकल वाला नहीं हूँ सब लोग हैं जो मैं पैरासिटामोल शब्द यूज किया इसके लिए आप पूछ रहे हो तो यहाँ पे सब लोग डॉक्टर हैं ओके इंडिया में जो है सब लोग डॉक्टर भी हैं और सब लोग सलाहकार भी हैं अच्छी अच्छी सलाह देते हैं यहाँ तक कि पड़ोसी भी आके आपको सलाह देकर चला जाता है कि नहीं तुम ऐसा कर लो इंजीनियरिंग की हो ना अब ऐसा कर लो तो सलाह भी सब लोग देते और इलाज भी सब लोग करते हैं मैं कोई मेडिकल फील्ड से नहीं हूं बायो का पूछना है बायोईगल हर्षनी कह रहे हैं प्लीज रिपीट हर्षनी इफ यू वांट टू मेक योर आंसर मोर यू हैव टू राइट मोर बाय लेस इफ यू वांट टू मेक योर आंसर लेस यू हैव टू राइट लेस बाय मोर लाइक कंपेयरिंग द पीपल विथ यहां पे मंकी को मैं पीपल कर रहा हूं पीपल विथ बनानास नाइन बनानास टू कंप्लीट नाइन बनानास ईटिंग बनाना इज अ वर्क मेरे जैसे लोगों के लिए तो काम है तो नौ बनाना खाने के लिए नौ लोगों की जरूरत है अब बनाना छत्तीस है तो काम ज्यादा है तो ज्यादा लोग की जरूरत है तो more answer तो मोर मोर आंसर चाहिए लिखा मैंने मैंने फिर मैंने समय से कंपेयर किया नौ मिनट में काम को खत्म करना है जैसे इस रूम को पेंट करना है नौ मिनट में एकदम पेंट होना चाहिए ये स्टूडियो रूम तो नौ लोग पेंट कर देंगे आके नौ लोग बोले हम लोग नौ मिनट में खत्म कर देंगे सर पेंटिंग हो जाएगा आपका रूम अब लेकिन मुझे नौ मिनट नहीं छत्तीस मिनट में पेंट कराना है तो है समय जब ज्यादा है तो कम लोग करेंगे ये हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन इनवर्स प्रोपोर्शन शुरुआत में कंपेयर कर चुके हैं टाइम वर्क ऑफ पीपल में कौन कौन डायरेक्ट है और कौन कौन इनवर्स है अब इस कार्य को छत्तीस मिनट में कराना है तो कम लोगों की जरूरत होगी तो कम लोगों की जरूरत होगी तो कम वैल्यू चाहिए तो कम वैल्यू के लिए हम लेस बाय मोर लिखे तो नौ ऊपर आया और मोर वैल्यू नीचे आया थर्टी सिक्स क्लियर है जीवन आधार का कहना है कि हैदराबाद में इलेक्शन है इलेक्शन तो आज नहीं कल भी नहीं परसों है आज शाम तक जितना आवाज करना था कर लिए अब परसों वोट देना है हैदराबाद में सर एक बार लास्ट वाला पार्ट रिपीट हैंडराइटिंग देख के बोले ओके 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 क्लियर क्लियर हर्षनी क्लियर मंथन क्लियर अग्रवाल क्लियर ओके ओके चलिए आगे आगे बढ़ते हैं नंदन लास्ट वाला पार्ट लास्ट वाला बहुत ही सिंपल है लास्ट वाला पार्ट नाइन मिनट्स में वर्क कंप्लीट करने के लिए नाइन मिनट्स में नोट्स लिख जाने चाहिए तो आपने अपने नाइन सीनियर्स लगा दिए नोट्स लिखने के लिए अब अचानक आपको आया कि नहीं आपको ऑफिस से समझ में आया कि नहीं नहीं नाइन मिनट्स नहीं अभी तो छत्तीस मिनट टाइम है तो आप क्या और सीनियर्स लगाओगे अपने नोट्स लिखवाने के लिए सीनियर्स ने एक्चुअली आप लोग जूनियर्स लिखवा से लिखवाते हो तो क्या आप और लगाओगे नहीं आप क्योंकि ज्यादा टाइम है तो कम लगाओगे तो लेस आंसर चाहिए था, तो लेस बाय मोर बस वही है लास्ट वाला पार्ट चलिए और भी समझते हम लोग ओके? सविनय रेडी इज आस्किंग सर इन तेलगू आसर तक तक पैना राय नंबर क्या अब आसर इंका तर आसर पाले मेरी नंबर पा रही चिन्ह नंबर क्या ओके अब सॉरी अब नंबर पे अदे चिन्ह नंबर पाइन रास्ते नंबर कैसे आ नंबर तुग इज इट क्लियर अम्मा बहुत मुश्किल से मैं बोल दिया बिल्कुल बिल्कुल मंथन चलिए कुछ प्रश्न अगर हम शॉर्ट आउट करें तो हमें ये ज़्यादा क्लियर होगा ये बहुत ही आसान सा सवाल है कॉलेज में भी यही चल रहा है हर्ष कह रहे हैं ओके

श्योर श्योर श्रीकांत सिंह वाव सर ओके तो इसके लिए सरे मनोज सिंह सरे सर हरदम अर्ध ओके समझ में आ गया कोई बात नहीं तो इसका आंसर बताइए तो इसके लिए मैं आपको 60 सेकंड टाइम दे रहा हूं इंटीजर टाइप अगर आपको डेसिमल में आंसर आएगा तो मैंने आपको बताया था कि डेसिमल को राउंड ऑफ होल नंबर ही बना लीजिएगा पॉइंट फाइव या उससे ज्यादा है तो नेक्स्ट नंबर तक जाइएगा पॉइंट फाइव से कम है तो आप जो नंबर आ रहा है वही आंसर लिखिएगा तो इंटीजर टाइप आपका पोल स्टार्ट होता है अब तो आई थिंक समय समाप्ति की घोषणा हो गई है तो चलिए इसको सॉर्ट आउट करते हैं बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, है। सबसे पहले इन्होंने क्लियर कर दिया कि बारह टेलर पंद्रह शर्ट रोज के एट आवर्स के हिसाब से 56 डेज में स्टिच करते हैं फिर इन्होंने क्या पूछा देन 15 टेलर्स अब 15 टेलर हैं एटीन शर्ट्स हैं एटीन शर्ट्स रोज के सिक्स आवर्स के हिसाब से कितने डेज में स्टिच करेंगे यही लोग पूछ रहे हैं बहुत ही सिंपल है चलिए आउट करते हैं अब यहां पे कॉलम्स को अगर ऑब्जर्व करें तो डेज के कॉलम में वैल्यू मिसिंग है तो इस कॉलम में जो भी वैल्यू दिया है, वो हम पहले लिखेंगे 56 फिर मल्टीप्लिकेशन साइन अब इस डेज को बाय अदर कॉलम से कंपेयर करके देखेंगे कि अब जो डेज आएगा वो मोर देन सिक्स होगा लेस देन सिक्स होगा वन बाय वन कंपेयर करना है पहले आप शर्ट से फिर आज से फिर टेलर से कीजिए या पहले टेलर से फिर शर्ट से, से फिर आज से कैसे भी कर सकते हैं क्योंकि बीच में मल्टीप्लीकेशन है ओके चलिए आज से कंपेयर करते हैं आज से कंपेयर करते हैं वरी डे इफ वी स्टडी फॉर एट आवर्स अगर रोज हम आठ घंटे पढ़ाई करें अवर गेट सिलेबस विल बी कवर्ड इन सिक्स डेज पूरा गेट का सिलेबस days में cover हो जाएगा. Okay? रोज पढ़ रहे तो क्या यह सिलेबस कंप्लीट करने में फिफ्टी सिक्स से मोर डेज लगेंगे या लेस डेज ये मुझे बताइए रोज आठ घंटे आप पढ़ाई करते हो छप्पन दिन में पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है मान लीजिए रोज छह घंटे आप पढ़ाई करते हो तो इसी सिलेबस को खत्म करने में आपको फिफ्टी सिक्स से ज्यादा डेज लगेंगे या कम तो ऑब्वियस आप बोलोगे सर ज्यादा लगेंगे यस वेरी गुड मोर क्योंकि आपने डेज आज पर डे कम कर दिया है तो मोर डेज लगेंगे तो आपको मोर आंसर बनाना है तो आप क्या लिखोगे मोर बाय लेस मतलब एट बाय सिक्स फिर मल्टीप्लीकेशन हो गया अब कंपेयर करते हैं डेज को शर्ट से डेज को शर्ट से कंपेयर करते हैं पंद्रह शर्ट को स्टिच कराने में फिफ्टी सिक्स डेज टाइम लगते हैं फिफ्टीन शर्ट आपको स्टिच करना है छप्पन दिन में स्टिच हो जाएगा फिफ्टीन शर्ट अब आपको एटीन शर्ट स्टिच करना है तो आपको 56 से मोर डेज लगेंगे या लेस लेस डेज मयंक कौन सा आपको आंसर है मयंक कहीं नहीं समझ में आ रहा होगा तो पूछ लीजिएगा मयंक कंफ्यूज मत होइएगा पंद्रह शर्ट को स्टिच करने में फिफ्टी सिक्स डेज टाइम लग रहा है अब आपको एटीन शर्ट स्टिच कराना है तो फिफ्टी सिक्स से मोर डेज लगेंगे या लेस डेज

बारह लोग मिलकर कर मिल लगे हैं पेंटिंग कर रहे हैं तो हमें पता है डेज में ये रूम पेंट हो जाएगा लोग काम करेंगे तो फिफ्टी सिक्स में होगा यही काम अगर मैं पंद्रह लोगों को दे दू पंद्रह लगा दूं तो क्या वो फिफ्टी सिक्स से मोर डेज लगेंगे या लेस डेज ऑडियो तो का कहना है नहीं सर इस बार तो लेस डेज लगेगा क्योंकि आपने लोग ज्यादा लगा दिया तो काम कम दिन में हो जाएगा तो वेरी गुड लेस मंथन का भी वही कहना है तो लेस आंसर चाहिए तो आप क्या लिखोगे लेस बाय मोर मतलब 12 बाय 15. उसके बाद बहुत ही सिंपल है आपका कैंसिलेशन ओके okay? अगर मैं गलत नहीं हूं और कुछ है कैंसिलेशन. हाँ, ये भी कैंसिल होगा सर थ्री मतलब 25. तो ये कितना आपको जल्दी से बताइएगा सेवेंटी वन पॉइंट आ आ रहा है, बिल्कुल. .68 आपको आ रहा है है बिल्कुल पॉइंट आपको आपको जैसा मैंने आपको बताया था कि के बाद इसका आंसर ओवरऑल हम एंटर करेंगे यहां पे क्योंकि सिर्फ पंद्रह प्रतिशत लोगों ने सेवन आंसर दिया है लीडर बोर्ड की बात करें तो सबसे टॉप पे है रक्षित वेरी गुड एक्सिलेंट सुपर मार्वलस जीनियस एक्स्ट्रॉडनरी सेकंड पे है आकांक्षा थर्ड पे है हर्षा फोर्थ पे है शुभम और फिफ्थ पे है आशुतोष और यही वो लोग हैं जिनने सही आंसर दिया इज इट क्लियर रक्षित कह रहे हैं क्या बताऊं सर सेवेंटी वन लिख दिया हो गई गड़बड़ सर कोई बात नहीं रक्षित कभी कभी बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं ओके okay? अब तो सेवेंटी टू क्लियर है सबको यस yes. पांडे जी का कहना है सर 72 करेक्ट है घोष साहब का भी कहना है 72 करेक्ट है जादव जी का भी कहना है 72 करेक्ट है वेरी वेरी गुड गुड कुमार साहब का भी कहना है 72 करेक्ट है ओके वेरी गुड सर आया लेकिन बाद में आया कोई बात नहीं कोई बात नहीं क्लियर है ओके okay, तो अभी तो मैं आपको पोल बहुत कम टाइम के लिए दे रहा हूं लेकिन वहां पे आपको इससे कहीं ना कहीं ज्यादा टाइम मिलेगा देखिये यहाँ पे मैं कुछ भी ऐसे शब्द नहीं बोलूंगा रेड्डी साहब कि मैं किसको वोट कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं ओके क्योंकि मैं बीच बीच में डिस्क्लेमर भी पढ़ते रहता हूं कि जितने भी यहाँ पे मैं शब्द का प्रयोग करूंगा इनका किसी भी जीवित मृत व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है चलिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका असाइनमेंट है ये मैं आपको असाइनमेंट के तौर पर दे रहा हूं ऑप्शन भी आपके पास हैं क्वेश्चन भी आपके पास है क्वेश्चन समझिए और असाइनमेंट में इसे सॉर्ट आउट कीजिएगा और इसके बाद जो है हम लोग सीधा चलते हैं आगे कौन सी स्लाइड है देखते हैं तो इसके बाद कौन सी ये वाली स्लाइड तो हमने देख ली असाइनमेंट इसके बाद ब्लैंक स्लाइड है ये आपको रफ वर्क के लिए दे दूंगा मैं ब्लैंक स्लाइड हाँ मतलब आज हम लोगों ने डिस्कस किया टाइम एंड वर्क और इसके साथ साथ हम लोगों ने आज डिस्कस किया चेन रूल क्या होता है और चेन रूल का यूज क्या है ये भी हम लोग समझे टाइम एंड वर्क में बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों ने समझा कि डायरेक्ट प्रपोर्शन आसान है तो इनवर्स को हम लोग डायरेक्ट में करके सॉर्ट आउट करते हैं या नहीं तो डायरेक्टली भी हम करते हैं कि वर्क कंप्लीटेड इज इक्वल टू वन वो वन तक पहुंचाने के लिए भी हम लोग आंसर करते हैं पाइप्स एंड सिस्टर्न जो पार्ट है मंथन वो भी टाइम एंड वर्क का ही है सिर्फ पर शर्त यहां पे ये यह है टाइम एंड वर्क में जैसे ए और बी जो है क्या थे आ, काम करते थे

एट बाई इलेवन आवर्स मतलब ये बिल्कुल टाइम एंड वर्क का ही, ही, मतलब ही, okay? ही मतलब पार्ट है, है तो यहाँ पे आर बोलेंगे हाँ एक हो सकता है यहाँ पे जिसका नाम हो सकता है आउटलेट ड्रेन या लीकेज जो कार्य को खराब करता है मतलब यहाँ पे ड्रेन कर दे रहा है जो भरने का कार्य उसको खत्म कर रहा है तो इसके वर्क को हम लोग Negative में लेके चलेंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर जो जाए, खाली कर सकता है तो इसका पर आवर वर्क हम लोग और तब तीनों को हम कर सकते हैं कॉन्सेप्ट yes, है वो लीक वाला भी आ गया ना यहाँ पे सिर्फ उसको निगेटिव लेना बाकी सबको पॉजिटिव लेना है फिलिंग को पॉजिटिव लीक को निगेटिव बस बाकी पर आवर वर्क पर मिनट में है तो पर मिनट वर्क पर सेकंड में है तो पर सेकंड मतलब सेकंड में यूनिट दिया तो पर सेकंड वर्क बाकी सब टाइम एंड वर्क का ही है तो माय डियर फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं कल इसी टाइम पे इसी जगह पे तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए सुरक्षित रहिए अपना ख्याल रखिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए थैंक यू ऑल टेक केयर बाय गुड नाइट शुभ रात्रि शबा खैर थैंक यू एवरीवान बिल्कुल 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 मंथन को स्पेशल टाइप क्वेश्चन भी करवा दिए जाएंगे डेफिनेटली